आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और विषय, जैसे कि आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कि आज हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य की भाषा, भाव एवं विचार की दशा क्या है, दिशा क्या है और स्तर क्या है। तो हिंदी साहित्य के तीन विभिन्न आयामों को हमने तीन अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों में देखना है, समझना है, जानना है, और फिर उसका हम ये मूल्यांकन करने का प्रयास करें कि भविष्य में उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए और उसका दिशा, समाज का वो निर्माण किस प्रकार से करे, व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार से करे, और इस तरह के बहुत सारे जो विषय हैं उन विषयों को हम आज की परिचर्चा के भीतर लेंगे। और कार्यक्रम का हमारा स्वरूप ये रहेगा कि शुरू के 5 मिनट आप लोगों के साथ इसकी भूमिका के रूप में चर्चा की जाएगी, और फिर उसके बाद आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री रविशंकर जी, जो कि निदेशक हैं सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज दिल्ली से, वो इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखेंगे, और फिर उसके पश्चात जो है हम लोग ओपन हाउस डिस्कशन, खुली चर्चा रखेंगे, और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो हैं और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयप्रकाश जी करेंगे। तो समय अधिक ना लेते हुए सीधे सीधे विषय के ऊपर अग्रसर होते हैं कि ये जो विषय लिया गया, इसकी पृष्ठभूमि में कई सारी घटनाएं रहे हैं, तो उन घटनाओं में हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन इतनी तो बात है कि जिस हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे कारणों से, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो सामाजिक या राजनीतिक, जो भी आप समझें, वो एक अलग इशू है, लेकिन उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये तो स्वीकार करते ही हैं कि हिंदी का बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व और स्वतंत्रता संग्राम के बाद रहा है इस भारत को एक राष्ट्र बनाने में। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी इस विषय में चूक गई कि वो इंडिया से भारत या भारत से इंडिया के बीच के अंतर में कहीं ना कहीं वो उलझ के रह गई, क्योंकि आपका संविधान जो है वो अंग्रेजी में ही स्वीकार करता है कि जो कुछ अंग्रेजी में संविधान लिखा गया है वही मूल रूप में स्वीकार्य होगा, हिंदी अनुवाद उसका स्वीकार्य नहीं है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की राय मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। और दूसरी तरफ जो हमारा आने वाला जो उद्योग और व्यापार का जगत है, जिसमें अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत अधिक हमें देखने को मिलता है, उसके बीच में हिंदी अपने आप को कैसे सुप्रतिष्ठित करे और कैसे अपने को विकसित करे, ये एक दूसरा पक्ष है। तो इन दोनों के बीच में जो मैं आप लोगों के साथ वक्तव्य साझा करना चाह रहा हूं वो है कि हिंदी, जिसे कम से कम संस्कृत विभाग इस रूप में स्वीकार करता है कि वो भारतीय राष्ट्र में लोक संग्रह का एक उसका पक्ष है, समाज के रूपांतरण का उसका दूसरा दायित्व है, और तीसरा व्यक्ति के संस्कार की सचेत प्रक्रिया के रूप में उसको हम स्वीकार करते हैं। ये संस्कृत विभाग की मैं राय आप लोगों के साथ साझी कर रहा हूं कि राष्ट्र को समाहित करने का प्रयास हिंदी के माध्यम से होता रहा है, और उसमें कभी बंगाल से उठ के अंश आते रहे हैं और कभी महाराष्ट्र से उठ के आते रहे हैं, और बाकी जो और बहुत सारे राज्य रहे हैं, संस्कृतियां रही हैं, उन सब ने अपना अपना इसमें योगदान किया है। लेकिन हिंदी की अपनी मूल चेतना कहाँ से प्रवाहित होती रही है, प्रवाहित होती रही है, और किस तरह से वो इस भारत को एक राष्ट्र के रूप में संग्रहित करके, समन्वित करके हम लोगों को, आज हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, भारत को परिभाषित करता है, वो चिंता का विषय है। इसीलिए आज जो हमने चर्चा रखी है कि हिंदी साहित्य के भाव की दिशा, दिशा स्तर, विचार उसमें कौन सा है, उसका स्तर क्या है और उसकी दिशा क्या है, क्या वो केवल पश्चिम देशों का ही जो विचार है उसको ला करके अपने ऊपर आरोपित करके और फिर उसे अपने को आधुनिक हिंदी कहने का प्रयास कर रहा है, या वो संस्कृत और अन्य पाली, प्राकृत आदि भाषाओं से आ रही परंपरागत जो विचार शैलियां हैं, तौर तरीके हैं, उनको अपने में समाहित करके वो एक नई नया प्रयास कुछ कर रहा है, और फिर साथ ही साथ भाषा के स्तर हम देखते हैं कि किस किस तरह के उपन्यास और किस किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं,
जहां वो गाली गलौज से लेकर के एक श्रेष्ठतम भाषा के आदर्श हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे आप लोगों के साथ करूंगा, बहुत संक्षेप में करूंगा। ये सारी वो बात है जो आप लोगों के साथ हमने साझी की थी जब आप लोगों के साथ एक निमंत्रण इसका भेजा था कि हम ये चर्चा क्यों करना चाहते हैं, और उसी को मैं आगे इसको दोबारा ना पढ़ते हुए आप लोगों के साथ इस विषय पे आ रहा हूं कि बहुत सारी विधाएं हैं हिंदी साहित्य की, निश्चित रूप से बहुत सारी है, लेकिन क्या हमने उसको कभी कर्ता के दृष्टिकोण से, भोक्ता की दृष्टि के और ज्ञाता के दृष्टिकोण से मूल्यांकित किया? क्योंकि तीनों पक्षों से जब आप हिंदी साहित्य को देखने लगते हैं तो उसके अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न होने लग जाते हैं, और साथ ही साथ जब आप हिंदी साहित्य का मूल्यांकन करने लगेंगे तो आपको, क्योंकि हिंदी साहित्य इतना व्यापक और विशाल है कि उसको आपको तीन दृष्टियों से देखना पड़ेगा। पहला जो पक्ष उसका है, पहली जो दृष्टि हमारी होनी चाहिए वो पार्थिव स्तर पे उसका मूल्यांकन करना है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हिंदी किस तरह से हमारे हाव भाव को, हमारे व्यवहार को परिभाषित कर रही है, या हमारा व्यक्तित्व ही कैसा परिभाषित हो रहा है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदी जब यूपी में बोली जाती है और जिस तरह से वो बिहार में बोली जाती है, और उसका पंजाब में जिस तरह से लोगों का एक दृष्टिकोण है वो किस तरह का है। तो अंग्रेजों ने एक शब्द प्रचलित कर दिया था, भैया शब्द, और उसको किस तरह से हमने, जो इतना संवेदनशील शब्द था, उसको किस तरह से हम निम्न स्तर पे ले गए और उसको हीन भावना के साथ हमने जोड़ दिया। तो पार्थिव स्तर पे हमें देखना होगा कि साहित्य में किस तरह की शब्दावली प्रयोग की गई है। दूसरा हमें ये भी देखना होगा कि वो शाश्वत स्तर क्या है उस हिंदी साहित्य का। शाश्वत स्तर से अभिप्राय मेरा ये है कि जो काल में निरंतर चले आ रही जितने भी वैचारिकताएं हैं और जितने भी अन्य विषय हो सकते हैं, उनको वो अपने आप में कैसे समाहित करते हुए आज तक चली आ रही है। शाश्वत का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है वो कोई काल का स्थिर बिंदु है। शाश्वत का अर्थ है निरंतर चलायमान जो हिंदी भाषा है वो अपने आप में किस तरह की भाषा, भाव और विचारों को समाहित करके आज तक लेकर आ रही है। और तीसरा जो पक्ष है वो है चिन्मय स्तर। चिन्मय स्तर का मतलब ये है कि उसमें हमने कौन कौन से मूल्यों को सुस्थापित किया है, जिसके आधार पे हम चाहते हैं कि हमारा समाज और व्यक्ति और हमारा राष्ट्र जो है वो जीवन जिए, ये हम चाहते हैं। तो इन तीन दृष्टिकोणों से और बाकी कर्ता, ज्ञाता और भोक्ता के दृष्टिकोण से हम इस सारे के सारे साहित्य को आज देखने और समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें यह भी देखने की कोशिश करेंगे, विशेष बल इसके ऊपर देंगे कि इस हिंदी साहित्य में बौद्धिकता का स्तर क्या है। क्या वो केवल जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी और स्त्री विरोधी पाखंड यहीं तक रुका रह जाता है, या वो बहुत अग्रसर होकर के इस तरह के विचार को उपस्थित करता है जहां पर पश्चिम जो है वो भी उसके विचारों को ग्रहण करके अपने साहित्य में उसको उपस्थापित करता है। क्या कहीं ऐसा भी कुछ है, ऐसी बौद्धिकता हमने स्थापित की है, या इसके विपरीत ही हम चले आ रहे हैं। और दूसरा पक्ष है भावनात्मकता के स्तर पे, कि भावनात्मकता के स्तर पे क्या हम केवल बिखरावाद की ओर जा रहे हैं, विकृतियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, या हम एक संगठन जिसमें हो गया है, संगठित भाव जहां पर है, जहां पे भाव में एक सुसंस्कृति आपको झलकती है, क्या हम उस तरह की हिंदी साहित्य में भावनात्मकता को देख पाते हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने हिंदी नाटक देखे थे तो उसमें से एक नाटक ऐसा था जो बड़े एक प्रतिष्ठित यहाँ के नाटककारों के द्वारा, जो मंच था उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अभिनेत नाटक अभिनेत एक मंच था जिसके द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया गया था टैगोर थिएटर में, और उसमें पहली बार मैंने सुना कि किस तरह से खुलेआम जो है वो गाली गलौज को उसकी भाषा बनाया गया था। उस प्रस्तुति में खूब खुले तरीके से भाषाएं दुरुपयोग जो था वो देखने को मिला। जैसे आजकल आप ओटीटी में देखते हैं कि नितांत निम्न स्तरीय जो भाषा है वो वहां पे प्रयोग की जाती है। अब जब
इस सारे विषय को एक पक्ष और भी है, और उसके बाद मैं मुख्य वक्ता को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं कि हिंदी साहित्य को आप अगर इस रूप में देखें कि कुछ हिंदी साहित्य ऐसा दिखाई देता है जो आदिम भय से लेकर और आदिम बुभुक्षा के बीच में दिखाई देता है। जैसे कि आप आदिम भय को बड़े व्यापक रूप में लीजिएगा, क्योंकि उसके विविध अभिव्यक्तियां हमें दिखाई देती हैं और विविध उसके आयाम हैं, उसी तरह बुभुक्षा शब्द के भी विविध आयाम हैं, और उसमें चाहे वो धन की बुभुक्षा है, मान की, इज्जत की, जो भी आप चाहते हैं, या कुछ करके दिखाने की, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं, उसके बहुत सारे आयाम हैं जिसको हमें समझना होगा। उस कैटेगरी में जब आप उपन्यासों को देखने लगते हैं तो आपके सामने जो है गुनाहों का देवता, कितने पाकिस्तान, राग दरबारी, तमस, काशी का अस्सी, दलित और कम्युनिस्ट साहित्य, बहुत ही, क्योंकि दलित साहित्य और कम्युनिस्ट साहित्य को थोड़ा देखने का मौका भी मिला, इन लोगों के साथ बातचीत भी हुई, तो उनकी भाषा का एक स्तर और उसमें जो भाव दिखाई देता है उसका अपना एक पक्ष है। और इस सारे आदिम भय और आदिम बुभुक्षा को हम जोड़ते हैं जन के साथ। आप कह सकते हैं कि लोक और जन एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे हमने दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। बड़ा बारीक सा इसमें अंतर है। जन जो है उसकी उत्सुकता जो ज्यादा है अपने भय और दुभुक्षा के साथ है, अपने लिए होता है, उसमें हिंसात्मकता का भाव थोड़ा सा प्रबल होता है। लोक जो है वो जन का संस्कारित रूप है, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह के साहित्य को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं जो जिज्ञासा बोध और सौंदर्य परक मूल्यों पर आधारित है। कि जिज्ञासा बोध जब आप आदिम भय और बुभुक्षा के स्तर से उठते हैं और जिज्ञासा बोध और सौंदर्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो आपको हिंदी साहित्य में गण देवता, पुनर्नवा, चित्रलेखा, पृथ्वी वल्लभ, गोदान, विराट की पद्मनी आदि आदि इस तरह के बहुत सारा साहित्य उपन्यास देखने को मिलते हैं, और इसी तरह की आपको श्रेष्ठतम कविताएं भी देखने को मिलती हैं। आप कृपया ऐसा मत समझिएगा कि ये कोई निंदित साहित्य है और ये जो है वो यही केवल स्तुत्य साहित्य है। उसकी अपनी सीमाएं हैं और जन साहित्य की अपनी सीमाएं हैं और लोक साहित्य अपना ही एक दृष्टिकोण लेके चलता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए संस्कृत विभाग कम से कम इन हिंदी साहित्य को इन दो पक्षों से देखता है। तो इसी सारे भूमिका के रूप में इस सारे विषय को प्रस्तुत करने के पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं और आप लोगों से परिचित करा रहा हूं आज के मुख्य वक्ता श्री रविशंकर जी, जो कि निदेशक हैं सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज नई दिल्ली, सभ्यता अध्ययन केंद्र उसका नाम है, और वो सभ्यता संवाद और गगनाचल नामक दो शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं। और इसके अतिरिक्त उनका लेखन कार्य, उन्होंने जितना लिखा है, जितना उन्होंने पढ़ा है और बड़ी गंभीरता से और बड़े सशक्त रूप में उसको जाना है, उस पे मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि आप उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे मेरे उनको हमने आगे भी आमंत्रित किया था जब हमने गुरुदत्त के ऊपर बातचीत की थी, और उनका जिस तरह का प्रखर ज्ञान था और ऑथेंटिक नॉलेज जिसे कहते हैं वो हमें देखने को मिली थी, उससे मैं निश्चित रूप से ही प्रभावित था और बाकी सब प्रतिभागी भी प्रभावित थे। और कमाल की बात यह है कि गुरुदत्त जिसने इतने उपन्यास लिखे हैं उसको आज हिंदी साहित्य में हाशिए पे भी नहीं रखा गया। बहुत सारे श्रेष्ठ साहित्य को हाशिए से निकाल के बाहर कर दिया गया है, मुख्य धारा से निकाल के हाशिए और हाशिए से भी बाहर निकाल दिया गया है। तो बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं यथार्थ के नाम पे, संरचनावाद के नाम पे, और बहुत सारे वाद जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, और उन वादों से कहना मुश्किल है कि हम संवाद की ओर अग्रसर हुए हैं या विवाद की ओर ज्यादा अग्रसर हुए हैं, और उससे जो है हिंदी का व्यक्तित्व वो पहले से ज्यादा संस्कारित हुआ है या पहले से ज्यादा विकृति की ओर अग्रसर है, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने ये आज की चर्चा रखी है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री रविशंकर जी को कि वो इस सारे विषय को कैसे देखते हैं, कैसे वो समझते हैं, वो हमारे साथ आज का विषय साझा करें, और उनके वक्तव्य के बाद लगभग 35-40 मिनट का उनका वक्तव्य रहेगा, उसके बाद खुली चर्चा रहेगी, आप लोग अपनी अपनी असहमति, अपने अपने विचार, अपनी अपनी समीक्षा
हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। श्री रविशंकर जी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष आंगिरस जी, आपसे परिचय एक बड़े प्रिय मित्र के माध्यम से हुआ था, अमनदीप वशिष्ठ जी। जी बिल्कुल, अच्छे अध्येता व्यक्ति हैं और उनसे अक्सर हमारी चर्चा होती रहती है। युवाओं में ऐसा बौद्धिक तेज बहुत कम लोगों में दिखता है जैसा उनमें है। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, मैं हिंदी साहित्य का पाठक रहा हूं। साहित्य मैंने पढ़ा है और बचपन से पढ़ा है और खूब पढ़ा है, लेकिन मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो विज्ञान में हुई है। मैं केमिस्ट्री का ग्रेजुएट रहा, ह्यूमैनिटीज ये मेरे शौक है तो इसको मैंने अपने शौक के हिसाब से पढ़ा है। तो इसीलिए जो एक ऑथेंटिक, आप जिसको कहेंगे अकादमिक विमर्श मुझसे आप जानना चाहेंगे तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सके, लेकिन एक पाठक के नाते, साहित्य के पाठक के नाते, मैं क्या महसूस करता हूँ, क्या देखता हूँ और क्या उसको, चूंकि लेखन जगत से मेरा संबंध है, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय तक कार्यरत रहा, आज भी जुड़ा ही हुआ हूँ, तो लेखन से संबंध होने के कारण मैं उसको कितना महसूस करता हूँ, किस रूप में, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं प्रारंभ करना चाहूंगा एक छोटी सी कविता से जो स्वरचित ही है, कविता नहीं कहना ठीक है क्योंकि आजकल सब चीज कविता के रूप में आ जाता है, और मैं तो बहुधा कहता हूँ कि यदि आप मुझे अवसर दें तो मैं समाचार पत्र को भी कविता की तरह पढ़ सकता हूँ। तो आज की कविता का जो स्वरूप है, वास्तव में छंद गायब है, छंद लय लय और वो सारी चीजें उसमें से विलुप्त हैं, तो उस अर्थ में जो है आज का जो प्रारूप है उसमें इसको कविता कह ले, मैं इसको कविता नहीं मानता, एक शब्द जाल है जो मैंने कभी कभी ऐसे निकल जाता है, मैंने रचा है, वो मैं थोड़ा से यहाँ से प्रारंभ करूंगा। उसके पिता उसे आदर्श नहीं लगते और नहीं लगते आदर्श उसे अपने दादा नाना, नहीं रोमांचित करती है उसे अपने पुरखों की भूमि, वह गांव, वह देश, वह गगन, वह नदियां, वह पेड़, वह पवन, नहीं चाहिए उसे वह ज्ञान जो संजोया है उसकी अनपढ़ दादी और नानी ने, जिसे संभाला है पुरखों की थाती ने, यह सब व्यर्थ है और है बकवास, प्रगति विरोधी अज्ञान व अंधविश्वास, उसे तो भाती है विदेशों की हवा, जहां से मिलती है उसे ज्ञान और विकास की सुगंध, विदेशों की जमी और नदियां बड़े प्रेरक दिखते हैं उसे, जिससे पैदा होती हैं उसकी कई कविताएं, विदेशों में पनपे बड़े विद्रोही ही आदर्श हैं उसके, बड़ा प्यारा है उसे उनके अनुभवों का चश्मा, जो महंगा है और है टूटा हुआ भी, उसे नहीं दिखता उनकी गलतियों का पहाड़, पर बड़ी चिंता है उसे सूक्ष्मदर्शी से ढूंढे गए अपने पुरखों की गलतियों की। ये अनायास एक भाव मन में कभी आया था और मैंने इसे लिख दिया था बहुत पहले, समय हो गया लगभग 12 वर्ष हो गए इसको लिखे हुए, 11 वर्ष। हिंदी साहित्य को जो मैं आज पढ़ता हूं और जो मैंने पहले का साहित्य पढ़ा है, तो जो मैंने महसूस किया वो मैंने इस इन कुछ शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आज का जो विषय है वो बड़ा विशाल, अभी जो आशुतोष जी ने रखा है, मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में इन सारे विषयों को मैं छू पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ एक बिंदु स्पर्श करूंगा और कुछ एक बातों को बिंदु रूप में ही रखूंगा, उसके एलेबोरेशन में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा होगा। तो पहली बात, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आऊंगा कि हिंदी साहित्य यदि आज हम उठाते हैं तो प्रमुख मुद्दे क्या उठते हैं हमारे सामने, सहज भाव से जो मुद्दे उठते हैं, और मैंने कहा ना कि चूंकि मैं स्वयं एक लेखक हूं तो मेरे सामने भी वो मुद्दे बहुत अनायास आते रहे हैं, हमेशा आते रहे। पहला प्रश्न है भाषा का, तो साहित्य में भाषा कैसी हो। पत्रकार होने के नाते मुझ पर हमेशा यह दबाव रहा कि मैं सरल हिंदी में लिखूं, और जहां तक मैं समझता हूं, मैं जो हिंदी लिखता हूं मुझे वो बहुत सरल लगती है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि बहुतों को वो थोड़ी क्लिष्ट लगती है, तो उन्होंने हमेशा कहा गया कि इसको थोड़ा और सरल बनाइए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मेरे गुरुजन हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं, डॉक्टर आनंद वर्धन हैं, यदि ये हिंदी लिखते हैं तो वो मुझे क्लिष्ट लगती है, तो जो जिनको मेरी भाषा क्लिष्ट लगती है उनको तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो क्लिष्टता और सरलता, यह सापेक्ष शब्द है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला जो प्रश्न हमारे सामने उठता है, भाषा का प्रश्न उठता है कि भाषा सरल हो या कठिन हो,
कठिन भाषा किसको कहें, सरल भाषा किसको कहें, ये हमेशा आता रहा है। और इसमें दूसरा जो प्रश्न उठता रहा है कि हम आवश्यकता कहें या जरूरत कहें, यह प्रश्न भी बहुत उठता है कि जरूरत तो बड़ा सरल है, जरूरत लिखिए, आवश्यकता आपने कठिन शब्द का प्रयोग कर दिया। यानी फारसी और संस्कृत दोनों में किसकी किसके शब्दों का प्रयोग किया जाए, यह भी बहुत तेजी से उभरता है। दूसरा प्रश्न है वैचारिकता का, जो उन्होंने उठाया है थोड़ा जन और लोक के नाम से, जो आशुतोष जी ने रखा, यह वैचारिकता का प्रश्न है। कि एक शब्द चल रहा है कुछ समय से, मुझे लगता है 60-70 वर्षों से तो चल ही रहा है, विचारधारा क्या है और किस विचारधारा का व्यक्ति है या ये किस खेमे का है। विचारधारा, खेमा और विचारधारा आज के समय में समानार्थक है। तो ये विचारधारा का जो प्रश्न उठता है ये हिंदी साहित्य में बहुत जबरदस्त उठता है। और आप देखेंगे कि जैसे हंस जैसी पत्रिकाएं हैं और भी कई सारी पत्रिकाएं हैं, वो इस आधार पर भी कई बार निर्णय करती हैं क्या छापा जाना है और क्या नहीं। और इस कारण से जो उन्होंने एक वैद्य गुरुदत्त का नाम लिया, मैं उनका कृतज्ञ हूं, उनका उन्होंने नाम लिया, वैचारिकता के नाम पर बहुत सारा साहित्य हमारे पहुंच से दूर किया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है वो है उधार की शब्दावली की समस्या। तो हिंदी साहित्य में जो शब्दावली प्रयुक्त होती है आज, उसमें से बहुत सारी शब्दावलियां ऐसी हैं, ऐसी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जो हमारी कभी नहीं रही। जैसे एक उदाहरण है पितृसत्ता, ये भारतवर्ष के परंपरा में कहीं मिलेगा ही नहीं। उसी तरह दूसरा शब्द है मातृसत्ता, यह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माता और पिता भारत में सत्ता के प्रतीक ही नहीं रहे, वो तो देवता है, उनको सत्ता कब बनाया गया ये प्रश्न है। तो वैचारिकता के बाद शब्दावली की समस्या है जो हमारे पास बहुत ज्यादा उभरती है। जब हम मैं पढ़ता हूँ आज का साहित्य तो इससे मैं बहुत दो चार होता हूँ। चौथा प्रश्न है देशिकता और मौलिकता का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कहानी लिखी जाती है या साहित्य रचा जाता है, उपन्यास लिखा जाता है, उसमें जो विषय उठाए जाते हैं हम उसको पूरे देश के लिए सार्वभौम समझ लेते हैं, कोई एक छोटी सी घटना और हम समझते हैं पूरा देश ऐसा ही है, तो ऐसा होता नहीं है। तो पूरे देश में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, दो कोस पे वाणी, तो ये तो केवल पानी और वाणी तक सीमित नहीं है, ये लोकाचार तक भी है और ये उसके बाद उससे आगे बढ़कर संस्कृति तक भी है। सारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो जैसे ही आप बढ़ेंगे थोड़ा सा, 4 कोस 10 कोस आगे बढ़ जाएंगे, आपको परिवर्तन मिलना शुरू हो जाएगा, वो एक समान पूरे देश में हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको बिना समझे हम प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं इस रूप में कि जैसे पूरा देश ऐसा ही है। तो कोई एक घटना, जैसे अभी उन्होंने उल्लेख किया दलित साहित्य, अब दलित साहित्य, साहित्य भी दलित हो सकता है, सोचना भी अजीब सा लगता है मुझे। तो दलित साहित्य से अभिप्राय है कि दलित समाज के बारे में लिखा गया साहित्य, अब दलित किसको कहें। तो लंबे समय तक, मुझे लगता है ज्यादा समय नहीं हुआ है दलित शब्द को आए हुए, अंबेडकर के काल तक भी यह शब्द स्थापित नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर खुद इस शब्द के बड़े विरोधी थे, यानी कि 90 साल पहले यह शब्द अस्तित्व में आया, आज हमारे साहित्य में छाया हुआ है। लेकिन उसका क्या हमारे देश की जड़ से कोई लेना देना है, हमारे स्थानीयता से कोई लेना देना है, कोई मौलिक विचार से लेना देना है भारत के, तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसका एक अभाव, ये एक चौथा प्रश्न है। कथ्यों में, जो साहित्य में जो कथ्य रखे जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। और अंतिम एक बात जो उसमें आती है, अनुवाद की समस्या आती है। अक्सर हम अनुवाद करते हैं बहुत सारी चीजों का, जब हम अनुवाद करते हैं तो फिर वहां पर हम जिस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं उसका सही अर्थ समझे बिना हम उसका यहां से कोई एक शब्द प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम प्रोस्टिट्यूट्स के लिए यहां पर एक गणिका शब्द कर देते हैं बहुत लोग, लेकिन जो गणिका है वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है। स्लट शब्द के लिए भारतवर्ष में कोई शब्द ही नहीं है, आप ढूंढते रहिए नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए कोई भी शब्द प्रयोग कर लें। ये एक बड़ी समस्या अनुवाद की होती है। तो ये 4-5 बिंदु हैं, इस पर थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा, हमारे देश में जितना साहित्य और सामाजिक और साहित्यिक विमर्श की का मुद्दा रहा है उससे ज्यादा, या औपनिवेशिक विमर्श का भी मुद्दा बना,
और इसको आधार बनाकर, भाषा को आधार बनाकर देश में कैसे विभाजन किया जाए, इसका एक व्यवस्थित प्रयास इस देश में हुआ। और इसीलिए उन्होंने हिंदी के सामने में एक भाषा खड़ी करने का प्रयास किया गया। उस भाषा का नाम है, हम लोगों को लगेगा शायद उर्दू है, लेकिन नहीं, उर्दू नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पढ़कर सुनाऊंगा। कृपा शंकर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर रहे और उनकी एक पुस्तक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है, बहुत पुरानी भी है, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता और अंग्रेजी राज 1800 से 1947। इन्होंने एक लगभग 147 वर्ष का इतिहास इसमें प्रस्तुत किया है। और वो कहते हैं, इनका एक दूसरा अध्याय हिंदुस्तानी और उर्दू के सहसंबंध पर है, 1800 से 1835 के काल का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी की 4 मई को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की नींव रखी थी। उद्देश्य था फारसी, अरबी, उर्दू, बंगाली जैसी कुछ भाषाओं के अध्ययन का केंद्र बनाना, एक सेंटर डेवलप किया गया। और वहां पर एक शब्द, ये जो प्रयोग हुआ वहां पर थे जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट, और उनको हिंदुस्तानी भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। अब यह हमको ध्यान रहना चाहिए कि 1800 में ये जिस कालखंड की बात हो रही है, उस कालखंड में जिनको विद्वान कहा जाता है यूरोप के, अधिकांश लोग या तो पादरी हैं या क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट हैं, इससे अधिक वो कुछ नहीं है। आप यह मत सोचें कि वो कोई बहुत बड़े भाषाविद हैं, बहुत बड़े इतिहासविद हैं, बड़े कोई भूगोलवेत्ता हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन्स उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। साहित्यकार हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहां। आप यदि यूरोप का शिक्षा का विकास का उसकी कहानी पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के सेंटर्स मात्र हैं, इससे अधिक वहां कुछ नहीं होता। तो ये जो पादरी हैं जॉन बोर्थविक गिलक्रिस्ट, ये हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर कहे जा रहे हैं। अब ये जो हिंदुस्तानी भाषा है, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी नहीं है। तो मैं बहुत लंबा उदाहरण है, ये पूरा एक अध्याय है 8-10 पन्नों का, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें ये स्पष्ट करते हैं कि यह जो हिंदुस्तानी थी यह वास्तव में उर्दू थी, हिंदी नहीं थी। और इसको निचले, जैसा कि हम लोग सोचते हैं अक्सर कि चूंकि भारत में कुछ इलाकों में, पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं रहा, यह भी एक संभ्रम है, मैं उन ऐतिहासिक संभ्रमों पर नहीं जाऊंगा, कि पूरा देश गुलाम था, तो गुलाम तो पूरा देश कभी नहीं रहा, लेकिन फिर भी जहां जहां मुसलमानों का साम्राज्य रहा, ऐसा हमारी एक परसेप्शन है, एक हमारा अवधारणा है कि वहां पर अरबी फारसी ही प्रचलन में था शासन के राजकाज की भाषा के रूप में, और अरबी फारसी से ही उर्दू का जन्म हुआ और उर्दू आ गई। लेकिन सत्य यह नहीं है, सत्य यह है कि उर्दू को निचले तबके के सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। यह काम अंग्रेजों ने किया क्योंकि उनको भाषा से देश में एक विभाजन की लकीर खींचनी थी, और यह 1800 से यह काम प्रारंभ हो गया था। उनका बहुत स्पष्ट धारणा थी कि ये दोनों अलग अलग जबाने ही नहीं, ये अलग अलग राष्ट्र हैं। और आप देखिए, जश्ने रेखता के 2 साल या 3 साल पहले जो ये समारोह, ये दिल्ली में उसका समारोह हुआ था जश्ने रेखता, उसमें गुलजार ने इस बात को कहा था। गुलजार ने कहा कि उर्दू वह भाषा है, वह सशक्त भाषा है जिसने एक देश बनाया। स्पष्ट है वो किस देश का चर्चा कर रहे हो, पाकिस्तान की बात कर रहे थे। यानी एक विभाजनकारी भाषा, एक दूसरे देश की भाषा है, एक राष्ट्र मतलब एक बिल्कुल भिन्न चीज है, एक अलग कल्चर है। तो ये उर्दू एक सामान्य चीज नहीं है। तो हिंदी को लेकर एक औपनिवेशिक षड्यंत्र वर्ष 1800 से प्रारंभ हो गया इस देश में। तो अभी तक 1800 से पहले हिंदी की जो यात्रा है, आप देखेंगे, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखी है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखी है, उस यात्रा में आपको कहीं भी ये द्वंद्व नहीं मिलेंगे, न उसमें मौलिकता का अभाव मिलेगा, न वह जड़ से कटी हुई मिलेगी। वहां पर कृष्ण भक्ति साहित्य का अनिवार्य हिस्सा है, देश प्रेम साहित्य का अनिवार्य हिस्सा है, वीर रस, इस पर लिखना पढ़ना वो बिल्कुल उसका हिस्सा है, आला जो है उसी का हिस्सा है। और आनंद की का जो विषय है, आप देखिएगा, हिंदी जो इसको आज हम हिंदी कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी, यह एक भाषा से अधिक विविध बोलियों के रूप में प्रकट होती है हमेशा। तो प्राचीन काल के, यदि आप थोड़ा सा जिसको मध्यकाल कहते हैं, रीति काल कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं, उस काल का जो हिंदी साहित्य आप देखेंगे, वह तो विविध बोलियों में ही है ना,
वो ब्रज में होगा, वो अवधि में होगा, या अलग अलग इस प्रकार की, या फिर मैथिल में होगा, वो बोलियों में है, वो खड़ी हिंदी जो आज है उसमें नहीं है। और उसमें वो, लेकिन उसका जो जड़ है, उसकी जो जुड़ाव है, वह संस्कृत से है। तो भारत की लगभग समस्त बोलियों का जो जुड़ाव है वह संस्कृत से रहा है, और इसलिए सहजता के साथ वो संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बल्कि लगातार रचना करते हुए उसमें संस्कृत के अलग से श्लोक भी डालते हैं। अब रामचरितमानस देख लीजिए, वो अवधि का ग्रंथ है, लेकिन उसमें संस्कृत श्लोकों की भरमार है, उनको कोई परहेज नहीं है। मैं कहीं वो नहीं कहते हैं ये क्लिष्ट हो जाएगा इसलिए संस्कृत के हम श्लोक उसमें नहीं डालेंगे। और जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठ करने वाले हैं रामचरितमानस का, वो उतने ही भक्तिभाव से और उतने ही सहजता के साथ उन संस्कृत श्लोकों का भी पाठ करते हैं जितनी सहजता से वो अवधि की चौपाइयों का करते हैं। तो यह जो देखने का विषय, वो चूंकि इससे पहले जो 1800 से पहले जो हिंदी चल रही है वो अपने जड़ से जुड़ी हुई है, उसके भाव में भारतीयता प्राणपण में बसी हुई दिखती है, लेकिन 1800 से उसमें भेद करने का काम शुरू हुआ, और इसीलिए वहां के बाद यहाँ पर यह प्रश्न उठने शुरू हुए कि हिंदी मतलब क्या। तो हिंदी के सामने में हिंदुस्तानी लाया गया, और हिंदुस्तानी वास्तव में उर्दू ही थी, और उसको उर्दू कहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उर्दू कहने से ऐसा बोध होता था कि ये कुछ एक छोटा सा एक समुदाय जो भारतवर्ष में है उस समुदाय की भाषा है। हालांकि वो छोटा समुदाय नहीं था, बहुत बड़ा समुदाय था, और दावा उसका यह था कि हमने यहाँ पर 800 वर्ष शासन किया है। एक शासक समुदाय की भाषा, और जो वो कह रहा है कि हमने उसको राजकाज की भाषा बनाई हुई थी, उसको वास्तव में अंग्रेज स्थापित करने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि वो स्थापित नहीं थी, वह प्रचलन में उतनी नहीं थी। और इसी क्रम में मैं एक चीज और सुनाऊंगा, ये बड़ा आनंददायी है, ये भी ऐसे कई प्रसंग कृपा शंकर जी ने लिखित किए हैं और वो हम लोग को जानना चाहिए। बाबू श्याम सुंदर दास सरस्वती के 1902 में संपादक थे, और श्याम सुंदर दास ने नागरी अक्षरों को अपनाए जाने पर बड़े वो प्रसन्न होते थे कि देवनागरी का प्रयोग शुरू हुआ है। तो एक ग्वालियर नरेश ने हिंदी का को देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाए, इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया अपने राज्य में। अब देखिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, इस सर्कुलर को सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये क्या है। सर्कुलर आम नंबर 18। अब आम फल के रूप में आम है तो हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन यदि वो आम जनता के लिए आ रहा है, लोगों के लिए आ रहा है, तो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सर्कुलर आम नंबर 18 मुवर रवे 22 अप्रैल 1902 ईस्वी बजरिए महकमे सेक्रेटेरिएट हुजूर दरबार जुडिशियल डिपार्टमेंट दरबारे इजराय कार्रवाई वक्त हिंदी। भाषा समझिए इसको, जो कि शुरू संवत 1960 से जमी अदालत हाई जुडिशियल महकमे जात पुलिस व मुकदमात माल में कार्रवाई वक्त हिंदी इन ब्रैकेट देवनागरी बतर मीम दफा 285 कानून आम जारी होगी, लिहाजा हिदायत हस्ब जैल जारी की जाती है। जमी अहल कारान जुडिशियल व पुलिस व माल को मियाद सदर तक खत हिंदी लिखने का महावरा हासिल करना चाहिए। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, इतने से हमको स्पष्ट हो गया होगा यह जो भाषा लिखी जा रही है, जिस पर सरस्वती, सरस्वती हम जानते हैं ना कौन सी पत्रिका है, 1902 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बड़े प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं कि देवनागरी का प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन भाषा का क्या हो रहा है इस पर उनका ध्यान नहीं है। बल्कि वही श्याम सुंदर दास, आगे मैं बताऊं, उन्होंने सितंबर 1902 की सरस्वती भाग 3 और संस्करण 1 में पाठशालाओं और पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसी हो, इस पर अपनी संपादकीय टिप्पणी दी, और उन्होंने कहा हमारा सिद्धांत तो यह है कि सरल हिंदी का प्रयोग सब अवस्थाओं में लाभकारी हो सकता है, पर यह बात विषय और लेखक पर बहुत कुछ निर्भर करती है। श्याम सुंदर दास ने इस टिप्पणी में हिंदी में बिना आवश्यकता के जबरदस्ती संस्कृत के कठिन कठिन शब्द भर दिए जाने का विरोध किया है। ये 1902 की बात बता रहा हूँ, यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि श्याम सुंदर दास अपने जमाने के प्रतिष्ठित लेखक हुए हैं। 1902 में यह प्रश्न है, यह विवाद है कि हिंदी में संस्कृत के शब्द हों या नहीं हों। अब यह देखिए, ये जो मैंने दूसरा एक जो ये ग्वालियर राज का सर्कुलर पढ़ा था, वह कठिन था या सरल था, मैं समझ नहीं पाता हूं। इसको कोई सरल कैसे कहेगा, इसमें कितने शब्द हैं जो समझ में आ जाएंगे एक आम हिंदी भाषी जन के,
मुझे नहीं लगता उसको समझ में आएगा, लेकिन आवश्यकता समझ में आ जाएगा, जरूरत भले जरूरत भी समझ में आएगी, आवश्यकता भी समझ में आएगा, लेकिन इसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं वह समझ में नहीं आएंगे। और इसका परिणाम कहाँ तक आता है, आप ये देखिए कि हिंदी में गाने बनते हैं उसमें उर्दू शब्दों की भरमार होती है, उन उर्दू शब्दों का अर्थ हम बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन वो गाना हम भरपूर गुनगुनाते हैं और हम कभी नहीं कहते कि यह कठिन हो रहा है, हम उसका अर्थ नहीं समझते लेकिन हमें वो कठिन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही संस्कृत का शब्द आएगा हम कहेंगे क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग मत कीजिए, कृपया इसको थोड़ा सरल बनाइए। यह सरलता, भाषा की सरलता के नाम पर जो खेल हो रहा है, यह एक औपनिवेशिक षड्यंत्र 1800 से चल रहा है, आज तक जारी है। किसी ने नहीं कहा कि यह उर्दू शब्द का प्रयोग, इससे कठिनता उत्पन्न हो रही है, कठिनाई हो रही है। किसी भी एक व्यक्ति ने कहा आप नाम बताइए, नहीं मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, जबकि वह शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, एक भी अक्षर समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो कठिन नहीं लगेगा, कठिन संस्कृत लगेगी। इसका कारण यह है कि यह जो एक औपनिवेशिक षड्यंत्र था, हमारी भाषा को हमारी जड़ से काटने का यह चल रहा था और यह सफलतापूर्वक चला। तो यह जो विकास यात्रा थी हिंदी की, इसमें उसकी जो मौलिक जड़ों से जुड़े होने की, जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप देखेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं, बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने लिखा है प्राकृत के बारे में और प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के बारे में और किस प्रकार से उनका क्या स्थान था, कितना सम्मान था, कितनी प्रतिष्ठा थी। लेकिन मैं कहता हूं ये तो पिछले 2500-3000 साल की बात है ना, हम 5000 साल पहले चले जाए और हम उससे और 10000 साल पहले चले जाए, कौन सी बोलियां प्रचलित थी, कभी विचार किया है क्या हमने? हम यह तो कह देते हैं संस्कृत पंडितों की भाषा थी, लोक की भाषा नहीं थी, लोक की भाषा कुछ और थी। अरे आज भी हिंदी लोक की भाषा कहाँ है मुझे बताइए, हिंदी आज भी लोक की भाषा नहीं है। लोक की भाषा ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मगही है, क्या कहते हैं उसको, मैथिली है, हरियाणवी है, पंजाबी है, ये हैं लोक की भाषाएं। राजस्थान में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, डायलेक्ट चलते हैं, वो हैं उसकी भाषाएं, लोक की भाषा वो है। उसमें कविताएं नहीं रची जाती क्या? रची जाती है। उसमें साहित्य नहीं रचा जाता क्या? रचा जाता है। लेकिन आज हिंदी के लिए हम बात करते हैं कि नहीं करते हैं? वैसे ही संस्कृत हमेशा लोक बोलियों के साथ को एग्जिस्टेंस उसका था और दोनों का परस्पर जुड़ाव था। इसके लिए हमको बीच में प्राकृत और अपभ्रंश को अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाषाओं के विकास में यह जो औपनिवेशिकता घुसी, जो यूरोपियन भाषाविदों ने, भाषाविद तो थे नहीं, मैंने पहले ही कहा वो पादरी थे, क्रिश्चियन पादरी थे, और अपनी क्रिश्चियन दृष्टि से, संकुचित वैश्विक दृष्टि से वो जो दिखाना चाहते थे उसके अनुसार उन्होंने हर चीज का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो उन्होंने हमारी भाषा को भी बहुत तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया, जड़ से काटने का प्रयास किया, और उसमें उन्होंने हमारे सामने में एक चीज खड़ी की, लोक भाषा बना संस्कृत, यानी संस्कृत पंडितों की भाषा और लोक की भाषा अलग। तो वो आज भी लोक की भाषा अलग है, वो हमेशा लोक की भाषा अलग होती है। आप जो विशुद्ध बांग्ला साहित्य है और बंगालियों की जो आपसी बातचीत है, लोक बांग्ला है, क्या दोनों एक है? नहीं है, आज भी नहीं है। आप उठाइए गीतांजलि पढ़िए, रविंद्रनाथ ठाकुर का शरद चंद्र के उपन्यास पढ़िए बांग्ला में, मूल बांग्ला में, और वह जो बांग्ला का साहित्य होगा और जो लोक बांग्ला बोली जा रही है, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। इतना ही नहीं, बांग्ला में तो आप जैसे जैसे क्षेत्र बदलेगा, बांग्ला बांग्ला में अंतर मिलेगा। यदि बांग्लादेश का बंगाली कोई बांग्ला में बात कर रहा है और पश्चिम बंगाल का जो कि धनबाद से सटा हुआ, झारखंड से सटे हुए इलाकों के बंगाली लोग हैं, वो आपस में संवाद करेंगे तो समझने में दोनों को कठिनाई हो जाएगी। लोक भाषाएं ऐसी ही होती हैं, दो कोस पे वाणी, ये बदलती है, और इसके कारण जो भाषा जो चल रही है, पठन पाठन की भाषा है, वो उसका महत्व तो नहीं घट जाता और उनका संबंध भी नहीं समाप्त होता। ये संबंध जो था, ऐतिहासिक संबंध, ये हमेशा रहा है। लेकिन इस संबंध को छोड़कर हमने अंग्रेजों की औपनिवेशिक दृष्टि से यह विचार करना शुरू किया कि यह तो अलग थी और यह अलग था, जो सेग्रीगेट करके, अलग अलग करके देखने का काम शुरू हुआ। और यहां से हिंदी साहित्य में आप देखेंगे वो झगड़े शुरू हुए, और इसीलिए फिर आगे जो उर्दू और हिंदी आया, जो मैं पहले ही मैंने उसकी थोड़ी सी चर्चा की कि उर्दू बलपूर्वक लाई गई। उर्दू अपने आप में कोई भाषा नहीं है। मैं आपको बताऊं, यदि भाषा के मापदंड पे कसा जाए, एक भाषा शास्त्री को बुलाइए
और कहिए भोजपुरी भाषा को राजभाषा क्यों ना बनाया जाए, वो जो 10 कारण बताएगा उन 10 कारणों को लिख लीजिए और उन 10 कारणों पर उर्दू को कसिए, उर्दू के लिए और 20 कारण और मिलेंगे कि उसको भाषा क्यों नहीं कहना चाहिए। उसका अपना व्याकरण ही नहीं है, उसकी अपनी लिपि नहीं है, उसका अपना आधार नहीं है, लेकिन वह एक केवल औपनिवेशिक आग्रह के कारण भारत के कई राज्यों में राजभाषा का दर्जा उसको उपलब्ध है। उसके लिए अकादमियां बनी हुई हैं, जिसकी जो भाषा ही नहीं है उसको भाषा कहना और उसको एक अकादमिक जगत स्वरूप प्रदान करना, यह एक औपनिवेशिक षड्यंत्र ही था और यह था हिंदी को डाउन करने के लिए। और इसीलिए आपको बताऊं, महात्मा गांधी हम लोग बहुत बड़े उनको हिंदी के प्रचारक के रूप में मानते हैं, नहीं थे वो हिंदी के प्रचारक, आप इसको लिखिए। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के प्रचारक थे, और अभी मैंने आपको ये 1800 के कोट से बताया है कि हिंदुस्तानी हिंदी नहीं है, वो उर्दू है। तो महात्मा गांधी जिस हिंदी हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे वो उर्दू की बात कर रहे थे, और इसका परिणाम ये हुआ, मैंने इस अपनी मेरी पुस्तक में मैंने कोट किया है, ये जन में या जनता में छपा था, राम मनोहर लोहिया की पत्रिका थी जनता, उसमें ये घटना छपी थी कि लोकसभा का सत्र चल रहा था, 50 के दशक की बात है या 60 के दशक के शुरुआती दशक की, और उस वक्त जो लेखाकार थे, जो उस वक्त तो ये रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी तो वो लिख लिया करते थे, क्योंकि वो दस्तावेजीकरण होता है ना उसका, हम उसको लिपिबद्धकरण कहते हैं, लिपिबद्ध किया जाता है, तो सारा लिखा जा रहा था। तो नेहरू जी भाषण दे रहे थे और लिपिकार लिख रहे थे, तो जो लिपिकार लिख रहे थे पहले तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये हिंदी में बोल रहे हैं कि उर्दू में बोल रहे हैं, तो उनको लगा ये उर्दू में बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने उर्दू में सारा नोट किया। लेकिन थोड़ी देर बाद नेहरू जी ने खुद उसमें कहा कि मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं, तो उनको लगा ये तो हिंदी में बोल रहे हैं, तो फिर उन्होंने उसको हिंदी में नोट करना शुरू किया। यह उस वक्त खबर छपी थी। जिस हिंदुस्तानी की बात गांधी और नेहरू और बाकी लोग कर रहे थे वो हिंदुस्तानी हिंदी नहीं थी, क्योंकि हिंदी तो संस्कृत के आधार पर ही चलेगी, वो इस जड़ से जुड़ी हुई भाषा बनेगी तो संस्कृत के ही पास जाएगी, उसमें कहीं से भी किसी भी सूरत में वो अरबी फारसी के पास नहीं जा सकती, और उर्दू जिसकी अपनी कोई बोली नहीं है, जो व्याकरण नहीं है, वो कोई भाषा ही नहीं है, तो उसके तुलना करना ही बड़ा एक हास्यास्पद तुलना है वो। लेकिन यह एक चीज चली हमारे देश में, तो उर्दू और हिंदी का एक जो विवाद था वो केवल इसलिए नहीं था कि दो भाषाओं की बात थी। देखिए भारत में ये विवाद खड़ा किया गया हिंदी बनाम तमिल का एक समय में, आज स्वाधीनता के बाद, लेकिन हिंदी बनाम तमिल का जो विवाद है वो हिंदी बनाम उर्दू से पर्याप्त भिन्न है, क्योंकि तमिल में जो बाद में आया है वो झगड़ा वो अलग है, तमिल को संस्कृत से झगड़ा नहीं है लेकिन उर्दू का है, और आप देखेंगे। और इसीलिए जो गुलजार ने कहा कि अलग देश बनाया, ये आज भी अलग देश बनाने की मानसिकता बनी हुई है, वो छूटी नहीं है। और तीसरी बात जो इसी में से निकल कर आ रही है, संस्कृत और हिंदी का जो संबंध है वो कितना मौलिक है, उसको काट कर आप हिंदी के की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आज यह प्रयास होता है कि हिंदी साहित्य में संस्कृत से काट कर उसको बात की जाए, तो इसका परिणाम क्या होता है, मैं उन परिणामों की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। तो वर्तमान स्थिति है, तो मैंने पहली बात कह दी कि भाषाई सरलता का जो पाखंड है वो एक पाखंड ही है कि सरल भाषा होनी चाहिए, और सरलता के नाम पर हम क्या करेंगे, केवल उर्दू को लेकर के आएंगे, उर्दू भी नहीं है वो, अरबी और फारसी के शब्द लेकर आएंगे। मैंने कहा उर्दू कोई भाषा नहीं है, उर्दू एक बोली है, वह बोली सैन्य शिविरों से विकसित हुई, जो तुर्की चगताई और बाकी सारे अरबी और फारसी वाले लोग भारत में आए, सेनाओं के साथ आए, शिविर उनके बैठते थे, तो लोकल लोगों से बात करने के लिए वो जो मिली जुली भाषा बोलते थे वो बोली के रूप में विकसित हुई, इसलिए उसका कोई व्याकरण नहीं बना। तो उर्दू भाषा है नहीं, तो सरलता के नाम पर हम उसका क्या लेंगे, तो उर्दू के पास तो अपने शब्द भी नहीं है, तो अरबी और फारसी के शब्द लेंगे, तो सरल करने के नाम पर अरबी और फारसी कैसे सरल हो सकती है, मैं नहीं समझ पाता हूँ। जल यह सरल है या आब, आप खुद सोच के बताइए, आप समझ में ही नहीं आएगा आम जनता को, सबको समझ में आ जाएगा, पूरे बंगाल में जौल खाबो चलता है, नीरू नीर से नीरू यह पूरे केरल में चलता है, तो जितने संस्कृत के शब्द हैं वह भारत की हर एक भाषाओं में व्याप्त हैं, और इसीलिए वो बहुत सहजता से हमको स्वीकार हो जाएंगे।
लेकिन अरबी फारसी कैसे सहज होगी, कैसे सरल होगी, मैं आज तक नहीं समझ पाता हूं। तो ये जो सरलता का एक पाखंड चलता है, यह केवल अखबारों की दुनिया में नहीं चलता, साहित्य में भी चलता है। दूसरा, एक जो तर्क दिया जाता है भाषा और साहित्य में, समावेशीकरण का, कि हम समाविष्ट करेंगे, बहुत सारे चीजों को हम लेकर चलते हैं, हम अलग नहीं चलते हैं। तो उसमें ज्यादा जोर चलता है विदेशज भाषा शब्दों पर। तो जो हम लोग सब जानते हैं हिंदी भाषा साहित्य में और हिंदी व्याकरण में, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, ये चार प्रकार के शब्द हम लोग लेते हैं। लेकिन विदेशज शब्दों के नाम पर हम कुछ भी ले लेंगे क्या? समावेशीकरण के नाम पर हम अपनी पहचान खो देंगे क्या? अपना अस्तित्व त्याग देंगे क्या? और यदि ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? फिर हमारे जो चित्र हम जिसका खींच रहे हैं, जैसे हम कहते हैं साहित्य क्या होता है, हम कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण क्या करता है? मेरी अपनी छवि को दिखलाता है। तो इन विदेशत शब्दों से आप अपनी आत्म छवि प्रदर्शित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि उन शब्दों की अपनी परंपरा होती है और उस परंपरा से वह समाज को अभिव्यक्त करती है। उसके बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे। और यहां से जो प्रारंभ होता है वह होता है सभ्यता मूलक समझ का अभाव। वैद्य गुरुदत्त पर जब वो व्याख्यान हुआ था तो वहां मैंने इस विषय को रखा था कि जिसे आमतौर पर हम जनरेशन गैप कहते हैं, वो जनरेशन गैप नहीं है, वो सभ्यताओं का संघर्ष है। और बल्कि सभ्यताओं का संघर्ष भी नहीं है, सभ्यता का संघर्ष है, सभ्य और बनाम असभ्य का संघर्ष है। जहां पर कभी कोई एक सभ्यता रही ही नहीं, घनघोर अभाव रहा, जहालियत जिसको कहेंगे हम, नितांत अज्ञानता का साम्राज्य रहा, वहां पर जो व्यवस्थाएं थी अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था के कारण जो शब्दावलियां विकसित हुई, उन शब्दावलियों को हम अपने साहित्य में जब हम ले आते हैं तो समस्या पैदा होती है। और वह समस्या, जैसे कि अभी एक मैंने शब्द कहा पितृसत्ता का, मैं अक्सर अभी जो कहानियां पढ़ता हूं आजकल के लेखकों की या लेखिकाओं की, उसमें यह शब्द इतनी बहुतायत में आता है कि मैं खुद चिंतित हो जाता हूं। कल को पिताओं को घर से बाहर तो नहीं निकालना चाहिए फिर? यदि वो सत्ता है, वो अत्याचारी ही है, तो पिता घर में कर क्या रहा है? घर से पिता को निकाल तो बिना पिता करो हो, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? तो एक पुस्तक है फादरलेस अमेरिका, यह पुस्तक लिखी गई है। और फादरलेस अमेरिका की स्थिति क्या है, मैंने उसका पीडीएफ फॉर्मेट में थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, उसकी हार्ड कॉपी अभी मंगाई, आने में एक महीना लग रहा है, अमेजन भेज रहा है। लेकिन वहां यह चित्र है कि एक समाज जहां पर पिता नहीं हो तो क्या दृश्य बनता है। हम भारत को उस ओर ले जा रहे हैं, पितृसत्ता को गाली देकर हमारी आत्म छवि तो नष्ट हो रही है। और जब आत्म छवि नष्ट होती है तो वो एक, उसको मैं कहूं, अस्तित्व विहीन समाज बनता है। और फिर जब वो अस्तित्व विहीन समाज बनता है तो वहां एक अराजक स्थिति का निर्माण होता है। और हमेशा ध्यान रखें, अराजक स्थिति जब बनेगी तो उसका सबसे बड़ा जो पीड़ित होगा वह उस समाज का सबसे कमजोर वर्ग होगा। समाज का कमजोर वर्ग आप माने या ना माने, दो ही होते हैं, बल्कि तीन मान लेते हैं हम, तीन होते हैं, बच्चे, स्त्रियां और बुजुर्ग। ये तीन उसमें पीड़ित होते हैं, ये उसका भुक्तभोगी होते हैं। और आप पश्चिम के समाज को आज देख लें, ये तीनों वहां उस पीड़ित लोगों में आते हैं और वही स्थिति धीरे धीरे देश की बनेगी। यह समझ का अभाव हमारे साहित्य में इतना ज्यादा परिलक्षित हो रहा है। तो जो उन्होंने कहा भाव और विचार, भाव लुप्त हो गए। भाव इसलिए लुप्त हो गए क्योंकि हमारे जो साहित्यकार हैं उनको अपनी परंपरा का ज्ञान ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। कितने साहित्यकार हैं जिनको संस्कृत की थोड़ी बहुत एक काम चलाऊ जानकारी है? कितने साहित्यकार हैं? कितने साहित्यकार हैं जिनको थोड़ी सी समझ है कि अपने शास्त्रों में क्या है? कितने साहित्यकार हैं जो बता सकते हैं कि हमारे शास्त्रों की परंपरा क्या है? मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये मैं एक लिस्ट देख रहा था, निबंधों की रचना बता रहे हैं कितना, मैं बताऊं, एक हमारे मित्र हैं और उन्होंने मुझे एक बात कह दी हम लोगों को चर्चा में, कहा भारतवर्ष में पिछले 1000 वर्षों में लिखा क्या गया है? संस्कृत में कुछ नहीं लिखा गया। और मैं ये देखता हूँ, देखिए यहाँ कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। इसका मधुसूदन ओझा ने लिस्ट, एक सूची दी, और मधुसूदन ओझा के अलावा कई लोगों ने, एक सुरेश चंद्र बनर्जी हैं, उन्होंने केवल बंगाल के धर्मशास्त्री विद्वानों के द्वारा किए गए कार्यों को प्रोज में, गद्य में,
उसको संग्रहित किया। ये भी ध्यान रखें, ये एक बड़ा आरोप आता है कि भारतीय हिंदी मतलब भारत में जो साहित्य था उसमें केवल पद्य था, गद्य नहीं था। गद्य तो अंग्रेज लेकर आए, यूरोप लेकर आया, अब उन मूर्खों को कैसे समझाया जाए, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ये जो लिस्ट दे रहे हैं, ऐसी कई यहाँ सूचियाँ हैं कि एक सूची में 34, एक में 13, एक में 16, एक में 77, एक में 40, ऐसे केवल एक दो क्षेत्रों के में जो रचा जा रहा है, केवल एक विषय पर, धर्मशास्त्र पर, केवल धर्म संबंधी व्यवस्थाओं पर जो रचा जा रहा है निबंध, उसके बारे में ये है। और काव्य पे, साहित्य पे, नाटिकाओं पे इतना रचा जा रहा है, उसका लिस्ट इसमें नहीं है, उसकी अलग लिस्ट बनेगी। असंख्य साहित्य रचा जा रहा है। क्या हमने, जो आज के साहित्यकार हैं, उन्होंने उसकी सूची भी पढ़ी है क्या? क्या उनको पता है सरस्वती कंठाभरणम के में क्या विषय क्या है, लेखक कौन है उसके? क्या उनको पता है हरिषेण कौन है? उनको पता है राणा कुंभा ने कुछ लिखा है क्या? क्या उनको जैन साहित्य का पता है, उनमें जैन साहित्य में क्या क्या लिखा गया है? उन्होंने राज तरंगिणी को पलट करके भी देखा है क्या? उन्होंने किसी एक पुराण को खोल कर देखा है? जिस मनुस्मृति का घनघोर विरोध करते, उस मनुस्मृति को एक बार पलट कर देखा है क्या? हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, क्या उनको पता है मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं और किस अध्याय में कौन सा विषय कहा गया है? उनको पता है षड दर्शन क्या कहते हैं, उन षड दर्शनों के रचयिता कौन है? उनको 10 ऋषि के नाम पता है? आप देखेंगे हमारे जो आज के साहित्यकार हैं, उनको इसकी जानकारी ही नहीं है, भारत की जानकारी नहीं है, और वो भारत के समाज की आत्म छवि को गढ़ने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कैसे संभव होगा? तो स्थिति ये बनेगी, मैं बताऊं जो स्थिति भारतीय सिनेमा जगत में बनती है। तो बॉलीवुड की फिल्म उठाइए, एक फिल्म है का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, बॉलीवुड की एक फिल्म है, शुभ मंगल सावधान। और उसमें दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक परिवार है और उनमें सगाई की रस्म हो रही है। उत्तर प्रदेश के किसी परिवार में, हिंदू परिवार में, सगाई की रस्म ऐसे नहीं होती जैसे उसमें दिखाई गई है। किसी भी जाति के परंपरा में पता कर लीजिए, होते ही नहीं है ऐसे। तो उन्होंने कैसे दिखाया, क्योंकि उसको तो जानकारी ही नहीं है ना, तो अपने मन से कुछ भी गढ़ देना है। तो हो क्या रहा है, साहित्य आज समाज का दर्पण नहीं है, आज का जो साहित्य है जड़ विहीन, भारतीयता से पूरी तरह कटे, और यूरोपीय साहित्य का उसको कहेंगे खुरचन को पढ़े, ओरिजिनल साहित्य पढ़ा ऐसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि यूरोप का जो साहित्य उसको भी ठीक से नहीं पढ़ा, उसकी खुरचन को पढ़ा, और उस खुरचन को पढ़ करके जो एक छिछली समझ विकसित हुई, उसमें से उन्होंने कुछ भारतीय समाज पे अध्यारोपित करने का प्रयास किया, वह साहित्य के नाम पे हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रयोग करता हूं, मैं बता रहा हूं। मेरी पत्नी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है, उसको इसकी कोई समझ नहीं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी पढ़ने में रुचि है, वो साहित्य पढ़ती है। तो मैंने उसको कहा कि ये किताब पढ़ो, मैं आज के साहित्यकारों के रचनाएं लाता हूं, उनके उपन्यास, उनके कथा संग्रह, और मैं दे देता हूं पढ़ो। और जब वो पढ़ती है तो वो उसकी समीक्षा मुझे बताती है, और उससे स्पष्ट हो जाता है, वो कहती है कि क्या लिखा है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आने लायक है, ये कहां होता है, ये जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। तो रोमांटिसिज्म अलग चीज है, जो शिवानी या अमृता प्रीतम कर रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन समाज का यथार्थ एक भिन्न चीज है। 1970 के दशक का मुझे याद आता है, बावर्ची फिल्म याद आती है, कि कैसे बावर्ची फिल्म में वो जबरन भाषाई संघर्ष को घुसाते हैं और हिंदी के बरक्स के सामने में उर्दू को खड़ा करते हैं, और जो खड़ा कर रहा है, जो उसका संवाद लेखक है, उसको कुछ नहीं पता। आज के संवाद लेखकों को तो और भी कुछ नहीं पता, पटकथा लेखकों को तो भारतीय समाज के अबसौ नहीं मालूम। तो समस्या क्या है कि भारतीयता की जड़ से कटे हुए ये लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है। और इसीलिए होता क्या है, वैद्य गुरुदत्त जैसे लोग, या सैयाह सुनामी जैसे लोग, या नरेंद्र कोहली और रामकुमार भ्रमर जैसे लोग, ये उपेक्षा को प्राप्त होते हैं। और उपेक्षा किस हद तक, हिंदी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि रविशंकर जी,
मेरी भी इच्छा थी वैदिक गुरुदत्त पे पीएचडी करने की। मैंने उस पर सिनॉप्सिस भी बनाया लेकिन मुझे अनुमति ही नहीं मिली। मुझे साफ कहा गया इस पर नहीं कर सकते। और मैं बताऊं आज भी यह स्थिति देश में है। आज भी मैंने कम से कम ऐसे 4-5 जो शोधार्थी हैं, जो शोध पीएचडी करने के इच्छुक हैं, उनको हमने जब ये कहा है कि आप वैदिक गुरुदत्त पे शोध करें, उन्होंने कहा ऐसा करूंगा, पहले सबमिशन लेकर के पीएचडी में सिलेक्शन हो जाए, बाद में गाइड से बात करके सब टॉपिक चेंज कराऊंगा, पहले ये टॉपिक दूंगा तो शायद हमें मिलेगा ही नहीं। आज की स्थिति बता रहा हूं, ये जो वैचारिक तानाशाही है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इतना दंभ भरते हैं, वह गायब हो जाती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसीलिए साहित्य जैसे 9 रस होते हैं, ये 6 रस होते हैं भोजन में, साहित्य में होते हैं 9 रस, उन 9 रस में से केवल 1 रस बचा है, करुण रस। करुणता दिखाओ, कैसे वो पीटा गया, कैसे उसको कुचला गया, कैसे उस पर अत्याचार हुआ। और इसको मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश, वो इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि हम भारत का जो हिंदी साहित्य जगत है उसमें 3 चीजें हैं और वही 3 चीजों का वो मारा हुआ है। एक है प्रासंगिकता, प्रासंगिक नहीं है वो जो विषय उठा रहा है वो आज के समय में है ही नहीं उपयोगी। दूसरा प्रेताभिव्यक्ति, प्रेताभिव्यक्ति क्या होती है कि हमें बचपन में चोट लगी थी, मैं उसको आज तक ढो रहा हूं, मुझे चोट लगी थी, यहां मुझे दर्द हुआ था, और अब मैं जवान हो गया, मैं उसी को गा रहा हूं कि मुझे वहां चोट लगी थी। अरे उसके अलावा कुछ तुम्हारे जीवन में घटा कि नहीं घटा? तो बस एक कोई घटना और उसको लेकर पूरे समाज का चित्रण, इसको प्रेताभिव्यक्ति। और तीसरा उधारी का चिंतन। तो जो मुद्दे यूरोप में प्रभावी हुए, जैसे स्त्री चिंतन यूरोप का जो है, अब वो ये बहुत बड़े बड़े विषय हैं, मैंने एक एक विषय पर आपको कई कई व्याख्यान लग सकते हैं। यदि स्त्री चिंतन की ही बात करूं तो उस पर कम से कम 3 से 4 व्याख्यान लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो यूरोप का स्त्री चिंतन है वो भारत पे लागू क्यों नहीं होता। वो हो ही नहीं सकता, वो घनघोर असंभव है, क्योंकि स्त्री को लेकर हमारी और उनकी अवधारणात्मक भिन्नता है। हम स्त्री को, एक पुरुष और स्त्री को समान रूप में देखते हैं, वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो स्त्री में आत्मा मानते नहीं है पिछले 1000 साल से, 1500 साल से, आज भी नहीं मानते। तो जो ये अवधारणात्मक भिन्नता है, उसको जाने समझे पढ़े बिना पॉलिटिकल नारों को साहित्य का आधार बनाने का काम होता है। तो साहित्य में जो 3 विषय, भाषा कैसे भ्रष्ट की गई और भाषा को कैसे जड़ से काटा गया, आज भी यदि वास्तव में हम भाषा को ठीक रखना चाहते हैं, हिंदी को हिंदी रखना चाहते हैं, तो हमको उसको संस्कृत की ओर ले ही जाना होगा, दूसरा उपाय नहीं है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि रेलगाड़ी को हम गोल, ये कहें क्या कहते हैं उसको, लौ पथगामिनी कह दें, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विदेश शब्दों की परंपरा हर एक में होती है, हमारे हम भी ले लेंगे, हम स्टेशन कह लेंगे, स्थानक भी कह लेंगे, दोनों चलेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जबरन, अब जबरन शब्द भी देखिए ये उर्दू का है, बलात् ये हिंदी का है, तो हम आवश्यकता लिख रहे हैं उसको काट के आप जरूरत कर दें, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह साहित्य जगत में भी और अखबारी जगत में भी भरपूर होता है। यदि मैं नुक्ता लगाऊं कि नहीं लगाऊं, इस पर इतना विवाद है, कहा मतलब असीमित विवाद। अब यह समझना कठिन है, जो चीज आपके यहां है ही नहीं उसको आप क्यों ला रहे हैं। तो भाषा को काटने का प्रयास हुआ, चिंतन उधार का लेकर के आए तो वैचारिकता नष्ट हुई, और उसके कारण आत्म छवि जो गढ़ने का काम था, आत्म छवि की जगह पर एक मिथ्या छवि का गढ़न हुआ। उस मिथ्या छवि के गढ़न के कारण समाज में एक मिथ्या ग्लानी का भाव पैदा हुआ, और उसके कारण जब ग्लानी होती है तो पतन होता है। अब ध्यान करें कि कोई बच्चा जो आत्महत्या जो कर लेता है, जो परीक्षा में फेल होता है, आत्महत्या कर लेता है, क्यों करता है? ग्लानी के कारण। ग्लानी और अवसाद ये जुड़े हुए हैं। तो समाज में एक मिथ्या छवि से मिथ्या ग्लानी भरकर और उसको अवसाद की ओर ढकेलना पूरे समाज को, यह महापाप आज के साहित्य में हो रहा है। और जो इसका मूल कारण है वो भाव है। और इन सब के बीच में, सबके मूल आधार में, जैसे कि
हम लोगों ने पढ़ा है अमृत मंथन में नीचे कच्छप बैठे थे, उसके ऊपर वो रखा गया था पर्वत सुमेरु और उसको मथा गया था। तो कोई भी मंथन करने से पहले एक आपको आधार लेना पड़ता है, एक भाव भूमि लेनी पड़ती है। वह जो आधार है हमारी पूरी परंपरा भारतवर्ष की, साहित्य की, चाहे वह कोई भी भाषा की हो, प्राकृत की हो, पाली की हो, अपभ्रंश की हो, संस्कृत की हो, ये सब एक हैं। आप इनमें भेद देखना बंद कर दीजिए, ये अंग्रेजों की दृष्टि है भेद देखने की। आप राजेश जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको कोट किया है राजशेखर को, काव्य मीमांसा को, और वो बताते हैं कि एक राज दरबार में सबको किस प्रकार से स्थान दिया जा रहा है, और वो लिखते हैं कि कभी भेद नहीं रहा इनमें, कभी किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना गया। ये जो हमारी परंपरा है भारतवर्ष की, उस परंपरा को जानने पढ़ने सुनने के बाद लिखें। अभी क्या हो रहा है कि मेरे मन, जैसे कि हम लोगों ने कथा सुनी, मैं ये अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा, वाल्मीकि की कथा हम पढ़ते हैं कि उस पक्षी को, उसका नक्रौंच पक्षी को का जब वध हुआ, बहेलिये ने वध किया, इनके मुंह से हठात एक छंद निकला, अनुष्टुप छंद में उन्होंने कुछ बोल दिया। फिर उनको ध्यान में आया, अरे ये तो पद्य रचना हो गई, तो उनको लगा मैं पद्य रच सकता हूँ तो मैं कुछ लिखता हूँ। तो आज के साहित्यकारों की तरह कुछ भी लिखने नहीं बैठ गए, जैसे मैंने वो शुरुआती पंक्तियां लिख दी थी, ऐसा काम वाल्मीकि ने नहीं किया। वो हम लोगों की भांति अधीर नहीं थे, तो उन्होंने क्या, धीरज ये पहला धर्म का लक्षण है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये साहित्यकारों में धर्म का पहला लक्षण होना सबसे अधिक आवश्यक है, धीरज होना, जो नहीं है। तो क्या करते किया उन्होंने, उन्होंने पता लगाया मैं क्या लिखूं। उन्होंने कई लोगों से वार्ता की, उन्होंने पूछा अनेक लोगों से, और तब जाकर उन्होंने तय किया कि मैं राम का जीवन चरित्र लिखूंगा। और हम जानते हैं वाल्मीकि की लिखी जो उनका वाल्मीकि रामचरित्र है, रामायण है, वो पूरे विश्व में गई है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई, उसके आधार पर पूरे विश्व में राम कथाएं प्रचलित हुई। आज साहित्यकार का क्या कर्तव्य है, आज नहीं हमेशा क्या कर्तव्य है, तो कर्तव्य यही है कि अपने भाव भूमि से जुड़े पहले तो, और फिर तय करें ये लिखना है तब लिखें, कुछ भी लिखने ना बैठ जाएं। और जो लिख रहे हैं कम से कम उसकी पूरी चीज पढ़ तो लें, जान तो लें। देवदासी प्रथा पर लिखने जा रहे हैं, पता तो कीजिए देवदासी प्रथा कहाँ थी, कितने बड़े क्षेत्र में थी, क्या पूरा तमिलनाडु में देवदासी हो जाती थी, क्या हरेक गांव में की बच्चियां देवदासी बनती थी, और देवदासी बनती थी तो उनका क्या होता था। वहां के लोगों से तो पूछिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से मत पूछिए, इनको कुछ नहीं पता, ये यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट से भी कुछ मत पूछिए। आप कहेंगे कि नहीं वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करते थे, करते होंगे, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए आपके लिए नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए है क्योंकि आपके समाज को हेय और गिरा हुआ दिखाएं, उसका वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना, ये उनका उद्देश्य कभी नहीं था। तो ठीक जानकारी उपलब्ध करना, भरपूर शोध करना, अपने भाव जगत से जुड़ना, और उसके बाद यदि हम कुछ करते हैं तो मैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो नौ रसों की बात होती है, एक भी रस हमारे लिए अछूत नहीं होगा। जैसे आज वीर रस अछूत है, कोई वीर रस में कविता करता है तो हम उसको साहित्यकार मानेंगे ही नहीं मानेंगे। कोई देशभक्ति की कविता लिखता है तो उसको हम नहीं मानेंगे। तो यह जो छुआछूत आया है, यह छुआछूत भी यूरोप की देन है, वहीं से चली आई है। भारत वर्ष में जब छुआछूत की बात हुई है, आप देखेंगे उसका मूल की ओर बढ़ेंगे तो वो मिशनरियों में ही जाके मिलेगी। यह समझकर, इस भाव को पकड़कर, अपने भाव जगत को जानकर फिर रचना जाए की जाएगी, मुझे लगता है भाषा भी ठीक होगी, विचार भी ठीक होगा, भाव जगत तो पहले ही शुद्ध किया हमने। तो मुझे इस समय में इतना ही कहना था, बहुत लंबा विषय है, फिर कभी और अलग अलग मुद्दों पर होगा तो चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद रवि जी, वाकई बहुत आह्लादजनक और ज्ञानवर्धक, और बहुत ही स्पष्टता से आपने जिस विचारों को प्रस्तुत किया है वो वाकई प्रशंसनीय है। और वाकई ये बात बिल्कुल सत्य है कि हिंदी के ऊपर बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, समाज निर्माण का भी, लोगों की मानसिकता को बनाने का भी, उनके व्यवहार को निर्धारित करने का भी बहुत बड़ा दायित्व है। तो मुझे लगता है बहुत सजग रूप से हमें उसके विषय में साहित्य सर्जना करनी चाहिए, अन्यथा हम वाकई वो शब्द है जो हमें अपने संविधान में नहीं मिलता, पाप शब्द नहीं मिलता
अपराध मिलता है, और अब अपराध की ऐसी स्थिति होगी कि कोई चिंता ही नहीं करता है कि ठीक है अपराध होता है तो कोई बात नहीं। तो पाप और अपराध के अंतर को, बोध को हम ध्यान में रखें और उस दृष्टि से हम इस विषय की ओर अग्रसर हों। तो जैसा कि हमने पहले आप लोगों से निवेदन किया था कि अगर अब ये खुला सत्र है, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, और मैंने देखा है डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने अपना हाथ खड़ा किया, उसके बाद और भी जो अपनी टिप्पणी करना चाहें, अपना वक्तव्य रखना चाहें संक्षेप में, आप सभी लोग रख सकते हैं और अपनी असहमति भी जता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम इस दृष्टि से हमारा हृदय बहुत विशाल है, लेकिन हाँ चिंता जरूर है कि हिंदी को हम समझते हैं बहुत बड़ा उसका उत्तरदायित्व है, इसलिए उसका स्तर जो है वो संस्कारित होना चाहिए, निरंतर संस्कार की प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो पहले रविंद्र कुमार गुप्ता जी और उसके बाद फिर विवेक भटनागर जी। हमारे साथ गणेश सर जी अशोक जुड़े हुए हैं। जी जी रविंद्र जी, जी, जी सर, मैं कह रहा था कि पहले दूसरे सहयोगियों को आप बात करवाएं तो बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है। विवेक भटनागर जी, सर आप कुछ कहना चाहें? आपने हाथ खड़ा किया, उसके बाद गणेश दत्त जी। देखिए, इस विषय पर कोई विवाद नहीं है कि हिंदी जो है वो भारतीय भाषा है ही नहीं, स्वयं हिंदी भारतीय भाषा नहीं है। हिंदी जैसे शब्द का पहली बार प्रथमतम प्रयोग जो है वो 10वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ, और भारतीय भाषा होना उसके लिए, उसको कहना कि ये भारतीय भाषा है तो शायद मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि इसका कोई भारतीय विषय बनता है। जी, अब रही बात स्थानीय बोलियों की, तो स्थानीय भाषा परिवार के 3 विभाग स्वयं तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं। एक पहला विभाग है अर्धमागधी का या मागधी का, दूसरा है शौर सैनी का, और तीसरा है पैशाची का। जी, तीनों भाषा विभाग में इन 3 विभागों से भारत की विभिन्न, उत्तर भारत की बोली जाने वाली विभिन्न बोलियां और भाषाएं विकसित हुई। जी और जब ऐसी परिस्थिति है तो हम लोग किसी हिंदी का प्रमोशन करते हैं क्या, हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की अपनी कोई वस्तु स्थिति में प्रासंगिकता है? ये विषय बहुत बड़ा है। जी प्रासंगिकता होना ही, मेरे हिसाब से तो प्रासंगिकता ही नहीं है, क्योंकि जब मैं स्वयं राजस्थान का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ पर पूरा भाषा परिवार है जिसको हम लोग डिंगल साहित्य कहते हैं, उसका व्याकरण है, उसकी भाषा है, उसका विषय है, जी लेकिन डिंगल उर्दू के सामने कमजोर है, हिंदी के सामने कमजोर है, जबकि हिंदी का अपना व्याकरण संस्कृत से आता है। हिंदी का अपना कोई व्याकरण उपलब्ध और निजी व्याकरण कोई विकसित किया गया हो तो कोई बताए मुझे। जी हिंदी का अपना कोई, जो कहते हैं देवनागरी, अरे भाई देवनागरी मूल विषय जो है, देवनागरी क्या हिंदी की विकसित लिपि है? नहीं है। जी होरिशंकर ओझा एक पुस्तक लिखते हैं प्राचीन लिपि माला, और उस प्राचीन लिपि माला में वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि देवनागरी का विकास ब्राह्मी से नहीं हुआ है। तो हम देवनागरी कह रहे हैं, उसका विकास ब्राह्मी से नहीं हुआ है, खरोष्ठी से हुआ है। तो खरोष्ठी भी भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है, और लिपि जो है प्राचीन लिपि माला के हिसाब से हिंदी का कोई अपना कोई स्थाई न तो व्याकरण है, न उसका किसी तरीके की लिपि, उसकी कोई लिपि उपलब्ध है। संस्कृत की मैं 6 लिपियां बता सकता हूं, जी 3 लिपियां बताई जा सकती है, लेकिन हिंदी की कोई लिपि नहीं है, अपनी निजी लिपि नहीं है। जब लिपि उपलब्ध नहीं है तो भाषा कैसे हो सकती नहीं, इसमें विवेक जी मैं इस बात को मैं काट नहीं रहा, लेकिन मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में भाषा एक औपनिवेशिक टूल के रूप में प्रयोग की गई कि कैसे देश को बांटा जाए। संस्कृत बहुत स्थापित भाषा थी, संस्कृत के बिना कोई काम नहीं चलता था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि संस्कृत के सामने में एक भाषा खड़ी की, और ये बोलियां थी, हिंदी भी एक बोली थी पहले, लेकिन हिंदी संस्कृत से जुड़ी हुई होने के कारण, संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत की लिपि और संस्कृत सब कुछ लेने के कारण उसका अपना एक अस्तित्व बन गया। भाई जैसे घर में बच्चा बड़ा होता है, तो जब पैदा होता है तो बच्चा ही होता है वो,
उस वक्त उसका अपना कुछ नहीं होता, लेकिन बात है कि वो कहाँ बड़ा हो रहा है। जैसे मैं उर्दू को मैंने इसलिए नकारा क्योंकि उर्दू को भारत के अलावा बाहर दुनिया में कहीं कोई स्थान नहीं है, और जिनके आधार पे वो खड़ा होना चाहती है वो भारत में नहीं है, यानी अरबी और फारसी। तो आप ये देखें कि हिंदी यदि विकसित हो रही है संस्कृत के पालने में, तो संस्कृत भारत की भाषा है, हमारी अपनी है, अपना वो परंपरा है वो हमारी, और इसीलिए हिंदी बड़ी हो सकती है उसके आधार पे। लेकिन यदि वो विवाद में उसको संघर्ष में लाएंगे बोलियों के साथ, तब संकट होगा। यदि हम कहेंगे कि नहीं अवधि को भी हिंदी कहा जाए तो दिक्कत होगी। तो वो क्या है ना कि धीरे धीरे आज जो एक समय में स्थान संस्कृत का था वह स्थान हिंदी ले सकती थी यदि हिंदी को संस्कृत के साथ जोड़ा गया था, वो जुड़े रहने दिया जाता, जो उसमें भेद और विकार उत्पन्न करने की और अपने ही कुछ लोग उसके कारण आज यह खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, इसमें एक विभाजन जरूर पक्का मेरे पास उपलब्ध है कि जिसको बाद बहुत अलग अलग लोगों ने लिखा और एक सरीखा लिखा। इसमें स्पष्टीकरण के साथ ये बताया गया कि भाषा जो हिंदी या हिंदवी है, जिसको देवनागरी में बाद में लिखा गया, उस हिंदवी का विकास ही 10वीं शताब्दी के बाद होता है। और पहला ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति महाराज जयानंद है, और वो हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, वो अवधि में लिख रहे हैं या ब्रिज में लिख रहे हैं। ये बात तो कोई नकार ही नहीं रहा, इस बात को तो हम लोग स्वीकार ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी से हिंदी के शब्द का प्रयोग जो है प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर जब हम देखें तो हिंदी शब्द का प्रयोग ही खड़ी बोली के लिए किया गया है। वो खड़ी बोली है, वो भाषा है ही नहीं। ठीक, और जब खड़ी बोली है, शब्द ही खड़ी बोली है, तो फिर भाषा कैसे कहेंगे? मतलब वो खुद में एक बोली है हिंदी भी, भाषा तो संस्कृत ही है, ये तो ठीक है, भाषा संस्कृत है, मूल आधार संस्कृत है, ये यही बोली हो सकती है, उसकी भाषा नहीं हो सकती, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और यही हमने कहा, व्याकरण नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा इतना ही कहना था कि हिंदी को भाषा के तौर पर रिकॉर्ड करना बंद करिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। आशुतोष जी आप म्यूटेड हैं इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। जी जी सर, आप प्लीज गणेश सर जी। सर आदरणीय, सबसे पहले तो मेरे मन मस्तिष्क में जो शब्द उभरे हैं आज का व्याख्यान सुनने के बाद, वो सिर्फ साधु साधु थे। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। भाषा बोली और इन सब चक्करों में, जैसा कि जो कहना चाह रहे थे रविशंकर जी, मैं भी बिल्कुल वही कहूँगा, जिसकी माँ संस्कृत हो वो बच्ची शुरू में कैसी थी, क्या थी, आज की स्थिति क्या है, ये जानना बहुत श्रेयकर होगा। अगर हम कहीं थोड़ा बहुत कंपेयर भी करते हैं इसको उर्दू के साथ, तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो स्वीकार्य नहीं है, कहीं ठहरती ही नहीं है उर्दू हमारे सामने। हाँ, इनकी बात का ये सुनते हुए कि जब हम विदेशों में जाकर अपनी भाषा को पंजाबी या तमिल लिखवा देते हैं, उसकी जगह अगर हिंदी या मैं कहता हूँ श्रेयकर होगा संस्कृत लिखवाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आज भी मेरे पास जनगणना के लिए कोई आएगा तो सबसे पहले मैं कहूँगा मैं सबसे पहले संस्कृत जानता हूँ, फिर हिंदी जानता हूँ, फिर थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, और उर्दू पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं आसपास समझ लेता हूँ, जरा भरा बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि वो भाषा क्या है जिसमें ज और ज के छोटे छोटे नुक्तों से शब्द बदल जाते हो और उसके लिए मतलब स्वीकारोक्ति ही ना होती हो। बहुत संक्षेप में साधु साधु, नथिंग एल्स। धन्यवाद सर। सदानंद जी, डॉक्टर आया है चैट बॉक्स में, जी ने एक सवाल पूछा है कि मध्य प्रदेश में हिंदी राजभाषा है जबकि वहां कोई हिंदी भाषी नहीं है। ठीक है, इस टिप्पणी को आप अपने वो समन्वित वक्तव्य में ले लीजिएगा, लेकिन तब तक हम और लोगों का भी ले लेते हैं। सुन लेते हैं। हाँ हाँ जी, रविंद्र कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर साहब। सर पहले तो मुख्य वक्ता का बहुत बहुत आभार, और बहुत ही लाइटर मूड में कह रहा हूँ आशुतोष जी, आज आपने रविशंकर जी को क्यों बुलाया?
ये सोच रहा था मैं, वो क्या हुआ कि आशुतोष का अर्थ भी शंकर होता है और रवि जो है वो सूर्य, तो उर्दू का शब्द आदित्य शब्द है, तो आज 11:50 पर आदित्य जान भी गया है, तो मुझे लगता है कि इसलिए आज आपने इनको बुलाया। और वैसे मेरा खुद का भी निकनेम रवि है। जहां तक मुख्य वक्ता की बातों को सुनकर मन तो बड़ा अति प्रसन्न हुआ जी। और मैं सही बताऊं, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि फिल्मों के संबंध में भी कोई चर्चा आएगी जी। रविशंकर जी ने बहुत ही सही सटीक विश्लेषण किया है। मैं केवल एक दो बातों से अपनी बात कहूंगा। मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार गोपाल प्रसाद नीरज से ये कहा कि भाई ऐसा कोई गाना ही नहीं बन सकता फिल्मों में जिसमें केवल और केवल हिंदी के शब्दों, कुछ ना कोई ना कोई ना शब्द तो आएगा ही। तो उसके उत्तर में उन्होंने एक गाना लिखा था प्रेम पुजारी का, रंगीला रे तेरे प्यार में यू रंगा है मेरा मन, और उन्होंने चैलेंज किया था, बोले इसमें बता दो कौन सा शब्द है। अद्भुत गीत है वो। हाँ, और ऐसे अनेक जो आज का विषय उसको भी यदि आप देखें, इनके वो फिर लंबा अलग से ही सेमिनार हो तो बेहतर होगा फिल्मों पर। अभी रविशंकर ने एक दो बातें बड़ी अच्छी कही कि हम जानते नहीं शब्दों को, अर्थ नहीं जानते, बस गुनगुनाते बना लेते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा तो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। मेरा प्रश्न है, जो हमारे साथ बैठे हैं उनमें से कितनों को मालूम है कि आफ्ताब का क्या मतलब है? एक बात, अभी एक गाना बड़ा मशहूर है, वो है फारसी का, जी हाल मस्की मुकुंदर जिस हिजरा में, वो बड़ा लंबा सा है। अब उसका हिजरा में सारा दिल है, मैं उसको बोलने वाला था, मैं रुक गया। अब मिस्किन का तो गरीब है। अब मान लो यदि मैं ये कहूं दूसरा गाना है, गरीब जान के तुम तो मेरा दिल लिए जाते हो, समझ में आ जाएगा। इसी तरह से एक और गाना मांगो तो सर बड़ा मशहूर है, दो बार आया वो, अभी धूम 3 में था, उसमें एक शब्द आया नबी जानम। अब हाँ, नबी जानम का अर्थ आप में से कोई बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे उसका अर्थ ये है आई डू नॉट नो। अब इसी गाने को, इसी शब्द को यदि आप लें, KL सहगल और लता जी का गाना है, मैं क्या जानू क्या जादू है। अब मैं क्या जानू तो सारे समझ जाएंगे, नवी जानम बताओ कौन समझेगा, लेकिन हम मान रहे हैं। तो कुछ हुआ क्या है सर कि हमारे यहाँ पर हम समझते नहीं है सर भाषा के दृष्टिकोण से। एक दूसरी और बात मैं जो कहना चाहता हूँ, फिल्मी सर, पहले तो अपनी बात कहने से पहले एक बात कह दूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आपने रविशंकर जी बहुत सही बात एक जो इम्पोर्टेंट कही थी, जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपको, अंग्रेजों ने भी सबसे पहले भारत में, ये है मैं बताता हूँ आपको, 1781 में वाराणसी एक मदरसा खोला था, और उसके बाद 1791 में फिर बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला गया, और उसके बाद फिर किस तरह अंग्रेजी आई वो एक पूरा विचारणीय प्रश्न हो जाता है। तो वो भाषाई दृष्टिकोण से उन्होंने डिवाइड करने की पॉलिसी तो तभी से अपना ली थी, जो आज तक चली आ रही है। तो इसी तरह से यदि आप देखें, मेरा जो माना जो आज का विषय था, जब मेरी आशुतोष जी से बात हुई तो मैंने उनसे एक ही बात की, कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल शब्द नहीं है, वो पूरी की पूरी संस्कृति, वो पूरे के पूरी विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब आप भारत की बात करते हैं, बहुत मशहूर गाना है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, लेकिन उसका प्रारंभ कहां से है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब उस श्लोक को तो हम भूल गए,
बाकी ले लिया। इसी प्रकार से फिल्म भाभी की चूड़ियां का रविशंकर जी को तो जरूर याद होगा, ज्योति कलश छलके। अब ज्योति का मुझे आप बताइए सर, इसका कोई पर्यायवाची हो सकता है क्या कि जो शब्द, जो विचार, जो संस्कृति ज्योति शब्द में है, जो संस्कृति कलश में है, क्या वो घड़े में हो सकती है? ऐसे यदि समय दे तो मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूं सर, अनेकों, कि जहां पर, अब जैसे होली के लिए है, हमारी संस्कृति में होली के लिए मदनोत्सव आता था, जो फिल्म उत्सव में प्रयोग हुआ है। आप जैसे हमारे यहाँ आजकल भी देते, लोक साहित्य में भी जब होली आती है, पर्टिकुलर हरियाणा में आप देखें सर, वो कोड़ा मार होली वगैरह सब चलती है। अब नवरंग फिल्म का जो गाना है, अरे जा रे हट दूंगी तुझे गारी रे, वो पूरा पूरा लोक साहित्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि कुछ हमने इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रयोग नहीं किए। केवल अंत में इतना ही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर, यदि आप पंडित भरद्वाज, नरेंद्र शर्मा और भी बहुत हैं जिन्होंने अच्छे प्रयोग किए हैं, प्रदीप ने किए हैं, और लास्ट एक ही बात कहकर खत्म कर रहा हूँ सर अपनी बात, भाषा के सौंदर्य से यदि उसका कोई पर्यायवाची आपको किसी और भाषा में मिलता हो तो आप मुझे बताइएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, जी अपने आप में पूरी संस्कृति है। और वो कौन सी संस्कृति जो आपको हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में ही मिल सकती है, जो इस देश की भाषा है, इस भारत वर्ष की भाषा है, वो इंडिया की नहीं है। और सर एकदम याद आया मुझे, आपने बात की थी ना शुभ मंगलम ज्यादा सावधान फिल्म की, वो सर एक प्रौढ़ावस्था में, प्रौढ़ावस्था में माता पिता बनने की कहानी है, और जिसको मजाक में बना दिया गया। और ये मजाक जो है ना सर, संस्कृत या हिंदी के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। और मुझे याद आ रहा है एक, अंत में एक मिनट ले रहा हूँ सर, हम तुम और वो फिल्म का गाना है, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। और जो उसका पिक्चर है ना, वो पूरा का पूरा वो बना दिया हमने। फिल्मों में आप यदि देखेंगे जहां हिंदी का ज्यादा प्रयोग हुआ है ना सर, तो उसमें जो कलाकार है, या तो हास्य कलाकार है, उसे पोंगा पंडित बना दिया उन्होंने। ये है विरोध किया गया, उसको विरोध किया गया। मैं आपको फिल्म का नाम बता सकता हूँ जिसमें हिंदी का प्रयोग, शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रहा है, चुपके चुपके फिल्म है, उसमें उत्पल दत्त है, धर्मेंद्र है, शर्मिला और अमिताभ बच्चन है, और अमिताभ बच्चन है, और उसमें कैसे मजाक उड़ाया गया है कि शुद्ध हिंदी में बोल रहा है कि वो कोई बेवकूफी वाला काम कर रहा है। बिल्कुल हाँ, जहां जहां भी, जहां जहां आपने हास्य पैदा किया ना फिल्मों में, तो उसमें उन्होंने जानबूझकर, मैं कहूंगा कि शुद्ध हिंदी का और कलिष्ठ हिंदी का या संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करके मजाक बनाया है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जरा और लोगों का भी राय ले लेते हैं। डॉक्टर राजीव चंद्र शर्मा और उसके बाद डॉक्टर अविनाश जी। राजीव जी अपने को अनम्यूट करके। धन्यवाद आशुतोष जी, ये व्याख्यान काफी विचार उत्तेजक है। हमारे मुख्य वक्ता ने हिंदी को भारतीयता, संस्कृत भाषा और साहित्य के साथ जोड़कर बहुत अच्छा विवेचन प्रस्तुत किया है, धन्यवाद के पात्र हैं वह। परंतु आपने जैसे शुरू में कहा कि आप रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, मेरा एक प्रश्न, क्या आपने हिंदी भाषा में रसायन विज्ञान के कोई साहित्य को, कोई शोध को प्रस्तुत किया है? हिंदी को साहित्य, जन संचार माध्यम की भाषा के रूप में बड़ी समृद्ध भाषा है, और आप ये राजभाषा के रूप में भी अनेकों 11 राज्यों और केंद्र की हमारे राजभाषा है, और अनेक देशों में भी ये दूसरी तीसरी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भी हो रही है। तो ऐसे में हिंदी, अब बहुत जोर दिया गया कि हिंदी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, तो आज हिंदी, अगर संस्कृत माता है तो हिंदी बेटी है, तो हिंदी एक स्वतंत्र भाषा बन गई और वो स्वावलंबी होना चाह रही है राजभाषा बनने के बाद, तो उसे
अन्य भाषाओं के साथ अंतर्क्रिया का अवसर मिल रहा है। उनमें से उर्दू एक अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय भाषा है, जो कि जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटने तक एकमात्र राजभाषा थी और आज भी 6 में से 1 उर्दू राजभाषा है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की वो राष्ट्रभाषा है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी समृद्ध भाषा है। उसकी व्याकरण की भी किताबें आपको मिल जाएंगी। और हिंदी और उर्दू में, सरल हिंदी और आसान उर्दू में आप भेद कर ही नहीं सकते। अनेकों शब्द इधर के उधर और उधर के इधर प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपसे असहमत होता। फिर दूसरा, हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं। आज हिंदी चाहे वो निकारागुआ हो, मॉरिशस हो, ऐसे अनेक देशों में प्रचलित है। कई देशों में हिंदी और उर्दू एक ही विभाग के रूप में विश्वविद्यालयों में संचालित है। उदाहरण के रूप में जापान, वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी एंड उर्दू है। तो ऐसे में हिंदी को केवल हमें भारतीयता और भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, जो विदेश में बैठ के लिख रहा है, व्लॉग बना रहा है, ब्लॉग लिख रहा है, उसकी दृष्टि निश्चय ही अपने राष्ट्र के संदर्भ में होगी। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई निकारागुआ में बैठा है, तो उनका भी योगदान है। तो हमें एक तो ये संकुचित दृष्टि छोड़नी होगी। और हिंदी की समृद्धि के लिए अब जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, उनके शब्दों का आदान प्रदान खुलेआम हो रहा है, होगा, उससे समृद्ध होगी भारत की भाषा हिंदी, जैसे कि अंग्रेजी जैसी भाषाएं विश्वव्यापी बनी है। हमें भी वैश्विक बनानी है, तो इस पर कोई सीमाएं बांधने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रयोगता की अपनी जरूरत है और उसके श्रोता और दर्शक की अपनी आवश्यकता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो रचना करता है। हिंदी फिल्में और उर्दू फिल्मों को भी हिंदी का ही टाइटल दिया जाता है सेंसर बोर्ड के द्वारा। शायद मैंने अपनी जिंदगी में एक ही फिल्म देखी थी, नाम भूल रहा हूँ, जिसमें उसको उर्दू फिल्म कहा गया था। भारतीय सेंसर बोर्ड सभी भाषाओं को हिंदी फिल्म ही मानता है। फिर उसके बाद आप ये जो हमारी भारतीय बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां मैं कहूंगा, वो बोलियां चाहे वो भोजपुरी हो, मगधी हो, राजस्थानी हो, ये छटपटा रही हैं स्वतंत्र भाषा बनने के लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने वहां राजस्थानी में एमए शुरू कर दी। बिहार के कुछ विद्यालयों ने भोजपुरी में परास्नातक कक्षाओं का संचालन कर दिया। तो इन भाषाएं जब ये बोलियां बन जाएंगी, खड़ी बोली जो ये मेरठ दिल्ली के क्षेत्र में बोली जाती रही थी, जिसे हमने मानक भाषा के रूप में अपनाया है, जो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है, वो उसके को समृद्ध करने, उसको अन्य साहित्य से इतर जो विषय हैं, चाहे वो प्रबंधन हो, वाणिज्य हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिकी हो, ऐसे विषयों में उनका साहित्य आना चाहिए, तभी। अच्छा चलो, आज का विषय तो आशुतोष जी ने रखा ही हिंदी साहित्य के संदर्भ में था, तो लेकिन ये जो हमारी बोलियां हैं ये क्यों छटपटा रही हैं? ये अब छटपटा के अगर कहीं स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर रही हैं या अकेडमिक लेवल पर ही कर रही हैं विश्वविद्यालयों में ही, तो इसी तरह से हिंदी ने भी संस्कृत से अलग होकर एक स्वतंत्र भाषा का अस्तित्व ग्रहण कर दिया। तो संक्षेप में मेरी प्रतिक्रिया है ये, तो इस पर मैं चाहूंगा कि आज के मुख्य वक्ता भी अपनी प्रतिक्रिया दें। जी लेंगे, डॉक्टर अविनाश जी और फिर डॉक्टर इंदु शर्मा जी, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सोनू कुमार जी भी अपनी बात रखेंगे। अविनाश जी, मेरा ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए। मैडम इंदु जी, सर धन्यवाद सर। वैसे तो मुझे रवि जी सर से और विवेक जी सर से पता लगा कि हिंदी की वास्तविक स्थिति बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला, और अभी जो सर बोल के गए वो बहुत अच्छा बोला। बहुत सारी भ्रांतियां मेरी दूर करी आपने कि हिंदी भाषा नहीं है, लिपि है। तो लेकिन ये लिपि है जो स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा संप्रेषण और संवाद और एकता का एक सूत्र बना था, इसमें तो ये पूर्ण रूप से सहायक हुई है। भारतीय जो एकता के सूत्र में बाधा है, जो सबसे बड़ा पक्ष लगा, और उसमें सबसे बड़ा अच्छे मुझे साहित्यकार जो है मुंशी प्रेमचंद जी, मेरे मन के बहुत करीब है। वो स्त्री गुलाम भारत की दशा को बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल मन को छूते उनके संवाद। और दूसरे जो चित्रलेखा है, उच्च कोटि के लेखक थे, आनंद मठ है, मृत्युंजय है और वैदिक वल्लरी है,
और सुग्रीव है आदुरे में जनार्दन राय जी की, इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है, तो इनकी भाषा ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं सामाजिक लेखन पे लिखती हूँ, काफी उपन्यास लिख चुकी हूँ, लगभग 30 के आसपास पहुंच गए हैं। नहीं, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इन मुद्दों पर कि जी है ना, जब विवादित मुद्दे आते हैं तो उसमें पात्र कैसे होना चाहिए। एक तो ये मेरा प्रश्न रवि जी से है, इसका मेरा भ्रांति काफी लिखा है लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूज होती हूँ। और एक दूसरा, ये जो आजकल नया आधुनिक आ रही है, एक हॉरर स्टोरी, जी डिजिटलाइजेशन और तकनीकी भाषा में लिखना, उसके संवाद भी तकनीकी में हो जाते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो नाराज हो ब्लॉक कर दिया, ऐसे संवाद आते हैं। तो ये भी एक बात, शायद हिंदी के अंदर एक संघर्षशील भाषा उत्पन्न हो गई है ना, जी और जिसमें ना रीति होती है, ना छंद, ना अलंकार, कुछ भी नहीं दिखता, और छायावादी का एक कॉमन टैग देके, और वो जी चाल, वो युवा लिख रहा है, शायद कहीं ना कहीं मैं भी उसमें जुड़ती हूँगी है ना, तो वो लिख रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो लिख रहा है वो हिंदी से जुड़ रहा है, और हिंदी के साथ साथ जी वो संस्कृत से भी जुड़ जाएगा। लेकिन मैं सामाजिक मुद्दे पर लिखती हूँ तब मुझे ये होता है कि एक तो विवादित स्थिति जो बहुत जल्दी साहित्य को, अच्छे साहित्य को खींच लेती है, विवाद में डाल लेती है, तो ऐसे में पात्र का चुनाव कैसे होना चाहिए, जी मेरा जी यही प्रश्न था आज। और जी आज तो सर आपको धन्यवाद इतनी बौद्धिकता पूर्ण चर्चा करवाने के लिए, आभार हूँ मैं आपकी। धन्यवाद डॉक्टर सदानंद जी। आशुतोष, चलो एक टिप्पणी दे रहा हूँ इंदु जी को। जी सोशल मीडिया पर आजकल इतना आ गया कि एक नया गाना आया है, ए चांद ट्विटर पर आ जा। ठीक है डॉक्टर सदानंद जी, दक्षिण भारत से हैं और दक्षिण भारत से होते सर, हुए उन्होंने हिंदी के यस साथ उनका जो संपर्क है उस पे। जी नमस्कार सर्वेभ्यो, नमस्कार। I would like to point out certain aspects of language when we are discussing about language in India. Let us go back to 1965. What happened in Tamil Nadu? There was a uproar against implementation of the national language, Hindi. And in the process, several problems happened, social, political, and whatnot. Looking backwards to our parampara, which the eminent speaker has mentioned, we have to say that our society is extremely tolerant, Sahishnuta, Vasudeva Kutumbakam. I am looking at others, whoever is different or similar to me, as somebody, as a reflection of God. Myself, what myself is, what he also or she also is. That Sahishnuta mentality is the one which is the central to not only Sanskrit language and thought process, but also any other linked languages, many, many are there. More than 1,000 languages are there, Boli and also full-fledged Bhasha in India. 18 of them or more are recognized as official languages in different ways. But let us not be so much forceful about any language for that matter. I will give you from my personal point of view, three or four different songs. Some are from the movie songs. One is the Gujarati song, Vang Hote To Ud Aati Re. That is Gujarati song. If you hear it without knowing Gujarati, by knowing Hindi and Sanskrit, and the Rajasthani song from Rudali, very old song. हरे खबर आए इन रुडाली, वी आर कनेक्टिंग विद रुडाली नॉट बिकॉज ऑफ एनी हिंदी और एनी लैंग्वेज, बट बिकॉज ऑफ ए सिमिलैरिटी इन द कल्चर। द रुडाली प्रैक्टिस इज अवेलेबल इवन इन साउथ, इट इज वेरी मच देयर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पालघाट इन द मलबार पार्ट ऑफ केरला। एंड लाइक दैट
the Sanskriti, the parampara, and the culture, and the civilizational evolution which is taking place. The civilizational evolution which is taking place, it will take care. Now add to this some other songs. Chandra Shekharendra Mahaswamigal, Mahaperiyava, Rajaitam, Maitrim Bajada, Irudaya, Jaitrim. That song sung in United Nations General Assembly in the 60s by M.S. Subbalakshmi, Padmasri M.S. Subbalakshmi, and also now her granddaughters in Prime Minister's residence. Once it is there in the YouTube. Hear these, all these things, and compare with the Shyamal Saumil's bhajan propitiating Lord Shiva, Shiva Mahima Stotra. And that's what a, is having structure. My request is, what is please, what, please yes? Sir, be very brief, sir. Yes, yes. What is having Sundrada and structure? Ji. The language is going, languages are going to compete among themselves. And the most attractive will be the most acceptable. And let us not also forget the gestalt of it. Let us look at the nation as a whole, the unity of the nation as a whole, Ji. And the integrity of the nation as a whole, and the history of implementation of one or the other language. Let us quote B. Ramamurthy, professor of neurosurgery from Madras. Any child born has the capacity initially up to 3 years and after to learn three separate languages, even if it is hearing in a mixed manner. They will separate, and with discreteness, they will understand it. They will develop. Now, there are certain philosophical point of view. Many things are happening. Many things are happening. Many things are becoming. We are becoming and being and becoming. Indeed. And all the three together in a very, very smooth manner is going on in our country as a matter of evolution of not only language, but also culture and civilization. Indeed. Which the English or the Mughal, everybody forgot the civilizational aspect of our national integrity and unity, which we will be implementing. It will be implemented automatically without anybody forcefully doing it. Thank you. Thank you, sir. I was expecting some comparison between the Hindi and the Tamil language and the Karnataki and that South Indian languages. The relationship, but we'll take it up later on. Yes, Hindi and Malayalam, Hindi and Tamil, both all are having 30% of the sound, some shabda, root in Sanskrit. हाँ वो फिर अब दोबारा लेंगे हम. डॉक्टर मीनू सिंह जी मुझे लगता है वो कुछ कहना चाह रही हैं, और उसके बाद स्मिता मिश्रा जी या जो भी और अपनी बात रखना चाहें. डॉक्टर कृष्णा जी. मैडम मीनू. नमस्कार सर. सर मैं पश्चिम बंगाल आसनसोल से बिलोंग करती हूँ. मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की अध्यापिका हूँ हिंदी की. सर मैं हिंदी के संबंध में विशेष रूप से उर्दू फारसी के शब्दों की चर्चा हो रही थी हिंदी की, लेकिन सर बंगाल में मैं क्या देख समस्या हमारे साथ पैदा हो रही है कि जब मैं कक्षा में पढ़ाने जाती हूँ हिंदी सीमित होकर रह जा रही है. कारण क्या है सर? बंगला भाषा की इतनी ज्यादा प्राथमिकता हो जा रही है कि बच्चे के आंचलिकता का तो असर भाषा में होती नहीं है, ये हम सभी जानते हैं. लेकिन सर हिंदी इतनी सीमित हो जा रही है कि जब मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करती हूँ बच्चे अवाक होकर देखते हैं. अगर रहित शब्द भी अगर बच्चों को बताती हूँ तो रहित में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, रहित है या नहीं है. सर तमाम तरह की समस्याएं इस तरह से आती है. मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि इस समस्याओं से मैं कैसे सुलझाऊं. कोशिश हर तक कोशिश रहती है सर कि बहुत बहुत हद तक मैं इस चीजों को नुक्ते का, जैसे नुक्ते का असर बता रहे हैं बच्चे नुक्ते को तो लेना ही नहीं चाहते, हालांकि होने भी नहीं चाहिए. मैं इससे भी समर्थ हूँ कि ये बहुत प्रभाव, भाषा की प्रभाव, बांग्ला तो है ही प्रभाव, और ये उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए. हालांकि सर ने जैसा कहा कि हमारे भाषा में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन
पारंपरिक रूप में जब आयन भाषा को सरल रूप में बनाने के लिए जिस तरह से प्रयोग किया गया, उर्दू कोई भाषा नहीं है, अरबी फारसी से वो से प्रभावित है, तो सर इसे यहाँ कहाँ पे कुछ मुझे निर्देशन कीजिए कि मैं कुछ और सुधार सकूं अपनी कक्षा के बच्चों को, क्योंकि आने वाले समय में सर हिंदी सिकुड़ रही है, ये हम सभी जान रहे हैं। जी जी, रुचिकर प्रश्न है, इसको भी लेते हैं। जी डॉक्टर स्मिता मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और इतना अच्छा विषय और इतनी अच्छी गोष्ठी में हमें बैठने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे अच्छे विषय लोगों ने उठाए हैं और अपनी बात को रखा है, जिससे हमें वो हुआ। लेकिन ये कि हाँ, हिंदी का प्रचार प्रसार जितना हो रहा है उसमें, जैसे हमारी एक संस्था है आईपी फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम हिंदी के प्रचार में लगे हुए हैं, और 2012 से ज्ञानवाणी और रचना संसार दो पत्रिकाएं हम छापते हैं। तो ज्ञानवाणी में हम सनातन धर्म और रचना संसार में हम नए जो साहित्यकार हैं उन्हें स्थान देते हैं। तो ज्ञानवाणी जब हमने शुरू की तो हमने भी एग्जैक्टली यही किया कि हम चाहते थे कि आसान भाषा में हम अपनी बातों को कहें, जिससे लोग, क्योंकि अब हिंदी लोग समझ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो कम से कम बात तो हमारी उन तक पहुंच जाए। लेकिन आज रवि जी की बात सुनकर, मुझे रविशंकर जी की बात सुनकर लगा कि नहीं, हमें उसमें कुछ संस्कृत के शब्दों और का भी प्रयोग करना चाहिए था, तो उसमें संस्कृत का भी ज्ञान जरूर लोगों तक पहुंचता। तो ये एक आज अच्छा संदेश हमें यहाँ मिला है। हम तब, हमारी पत्रिका का बहुत अच्छा 75,000 सर्कुलेशन था, और ये जो एच व्हीलर पे जाती थी, कोरोना में अभी नहीं, उसका पब्लिकेशन बंद हुआ है प्रकाशन, लेकिन पत्रिका ऑनलाइन बन रही है। तो आगे से हम रविशंकर जी की बात का ध्यान रखेंगे और उसको साथ में थोड़े बहुत संस्कृत के शब्दों का अवश्य प्रयोग करेंगे। जी जी जरूर, धन्यवाद। डॉक्टर कृष्णा गोयल जी, मैडम आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, या उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर पूनम देवी जी, नाम तो है डॉक्टर पूनम जी, आपकी ओर से कोई टिप्पणी, किसी और की कोई टिप्पणी है तो कृपया आप लोग कर सकते हैं। सर मैं बोलूं? आप कर चुके लेकिन चलिए बहुत संक्षेप में। मैंने एक प्रश्न किया था कि विवादित मुद्दों में पात्र का चयन कैसे होता है, वो डॉक्टर साहब करेंगे, रवि जी इस विषय पे लेंगे, वो अभी अपने समापन उसमें भाषण में अपनी बात रखेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई? मैं राजीव चंद्र शर्मा, ये बंगाल से हमारी जो सहकर्मी हैं, इन्होंने हिंदी अध्यापन की बात कही कैसे करें, तो ऐसे में बंगाली माध्यम से हिंदी क्यों ना पढ़ाई जाए। जैसे कि पंजाब की मैंने स्कूली पुस्तकें देखी, जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बनाई हैं, वो पंजाबी मीडियम से हिंदी पढ़ा रहे हैं, और पंजाबी का क्या शब्द है उसे कैसे लिखा जाता है, हिंदी देवनागरी में उसे कैसे लिखा जाता है, और पंजाबी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो इस ये वो बंगाल में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा केंद्रीय हिंदी, ये जो हमारा हिंदी डायरेक्टोरेट ऑफ सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ हिंदी है, इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से हिंदी अध्यापन के लिए भी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, शायद 3 खंडों में पुस्तकें हैं, जो कि विदेशों में और यहाँ तक के महाराष्ट्र में हमारे एक सहकर्मी मित्र रही हैं जो हिंदी पढ़ा रही हैं, वहां पर भी वो अंग्रेजी का बोलबाला होने के कारण वो अंग्रेजी माध्यम से हिंदी वहां पढ़ा रही हैं उन पुस्तकों की मदद से, तो ये भी प्रयोग में लाई जा सकती है। धन्यवाद। चलिए ये भी अच्छा सुझाव है। डॉक्टर रूपिका भनोट या डॉक्टर शमशेर जी या कोई और सज्जन अपनी बात रखना चाहें तो कृपया संक्षेप में रखें, और उसके बाद फिर हम रवि जी की जो है वो टिप्पणी हम लेंगे सारे वक्तव्य के ऊपर। चलिए मुझे लगता है किसी और का कोई वक्तव्य नहीं है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस सारे विषय को समेटने के लिए, इसका समाहार करने के लिए, इसको एक पूर्णता और दिशा प्रदान करने के लिए, रवि शंकर जी से मेरा निवेदन है कि वो करें, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी। आशुतोष जी, रवि शंकर जी को समर्पित एक लाइन है। 15 अगस्त 1947 को जी, जब भारत आजाद हुआ, तो उसमें एक गाना आया था शहनाई फिल्म में, मेरी जान आना संडे के संडे,
रवि का इंग्लिश अनुवाद है वो। अच्छा, चलो ठीक है जी रवि जी। सारे विषय तो मैंने नोट नहीं किया है, यदि किसी का कोई मुद्दा छूट जाता है तो वो मुझे याद दिला दें, मैं पूछ लूंगा। तो एक विषय जो जो आए, मुझे क्रम से मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो जिस समय मुझे जो मुद्दा मुझे याद आ रहा है मैं उसको संबोधित कर रहा हूं। एक बात आई थी कि क्या रसायन शास्त्र में हिंदी में कुछ है या लिखा है मैंने, या फिर कहीं लिखा हुआ मिला है। मेरे पास रसायन शास्त्र पे पुस्तक है हिंदी में, भारतीय रसायन शास्त्र का विकास, ये स्वामी, ये प्रोफेसर सत्य प्रकाश जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाते थे, रसायन शास्त्र पढ़ाते थे, उन्होंने इसको लिखा है। इतनी मोटी किताब है, लगभग 100 पेजेस की किताब है, पृष्ठों की किताब है, 600 पृष्ठों। उनकी कई पुस्तकें हैं। इसके अलावा मैंने रसायन शास्त्र पे हिंदी में कई पुस्तकें देखी हैं। समस्या क्या है कि मैंने कहा ना कि भाषा को एक औजार के रूप में उपयोग किया गया भारत को औपनिवेशिक दास्ता में बांधने के लिए, तो इसलिए हिंदी भी उसका शिकार बनी, हमारी संस्कृति भी उसका शिकार बनी, और उसके कारण से विज्ञान को सीमित करने का प्रयास किया गया कि यह तो केवल अंग्रेजी में पढ़ाई जा सकती है। और यह कोशिश बहुत सफलतापूर्वक आज तक चल रही है। बहुत सारे लोग जो ये बात कहते हैं कि विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो सकती, तो उसका एक मूल कारण यह है कि वो प्रारंभ से इसे चल रहा है। पुस्तकें अनुपलब्ध हैं, यह कहना गलत है। दूसरी बात, आधुनिक रसायन विज्ञान जो पढ़ाया जा रहा है, जो यूरोपीय रसायन विज्ञान है, उसकी पुस्तकें अंग्रेजी हिंदी में कम मिलेंगी। मिलती हैं, नहीं मिलती हैं ऐसा नहीं है, समझना कठिन होगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है प्रसंस्करण। अब प्रसंस्करण नहीं है, यह प्रसंस्करण है। अब ये जो है ये समझ ही नहीं आता है, सामान्यतः तुरंत नहीं लिंक करता आदमी, जोड़ नहीं पाता। तो यदि मैं आज मुझे हिंदी की केमिस्ट्री की बुक आप दे दें तो मुझे समझने में कठिनाई होगी, जो टर्मिनोलॉजी प्रॉब्लम होगी, शब्दावली की समस्या आएगी। बहुत सारे शब्द जैसे जो यूरोप में विकसित हुए, जैसे एटम, अब एटम की हिंदी आप परमाणु नहीं कर सकते। वैशेषिक में जो परमाणु की परिभाषा है वो वहाँ के एटम की परिभाषा से मेल नहीं खाती है, दोनों भिन्न हैं। और चूंकि वो दोनों भिन्न हैं, आप एटम का हिंदी अनुवाद परमाणु नहीं करें, मैं लोगों को कहता हूँ, ये हमको समझना पड़ेगा। तो विज्ञान की पुस्तकों को हिंदी में लाने के समय में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी परंपरा को ठीक से जान कर उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, अथवा जो नए शब्द हैं वो या तो बनाने पड़ेंगे जो आचार्य रघुवीर ने प्रयास किए, या अथवा हम उन शब्दों को एज इट इज हमको लेना पड़ेगा। जैसे एटम को एटम ही लिख दें, जैसे डेटा, आज के समय में जो डेटा है, अब डेटा का क्या अर्थ आप करेंगे? ये माउस है, इसका चूहा अर्थ नहीं कर सकते आप, कंप्यूटर के में माउस ही कहना पड़ेगा ना। लैपटॉप को आप लैपटॉप ही कहेंगे, है ना। सचल संगणक, ये प्रयोग आप कर सकते हैं या व्यवहार में आ जाएगा, तो मैं नहीं कह सकता कल को व्यवहार में आ जाए, लेकिन अभी मैं सचल संगणक लिख दूं तो वो कठिन हो जाएगा। तो क्या है कि जो विदेश चीजें विदेश में ही उत्पन्न हो रही हैं, जैसे स्लट, अब स्लट जो है वो भारत में कोई समझ ही नहीं सकता स्लट का अर्थ क्या है, नहीं समझ सकते आप, जब तक आप जर्मेन ग्रियर की जो पुस्तक है द फीमेल यूनक नहीं पढ़ेंगे। फीमेल यूनक, इसका हिंदी अनुवाद छपा है, वाणी प्रकाशन ने छापा है, और उसका हिंदी में शीर्षक दिया है विद्रोही स्त्री, गलत है। यूनक होता है बधिया करना, और यूनक करने की जो प्रक्रिया केवल यूरोप में है, विश्व में कहीं नहीं है, यूनक बनाए ही नहीं जाते थे कहीं, जो नेचुरली यूनक होते थे वो अलग विषय है, वहां पर यूनक एक प्रक्रिया है, बधिया किया जाता है। तो बधियाकरण केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक बधियाकरण। तो एक स्त्री का मानसिक बधियाकरण करना, यानी उसको अपने स्त्रीत्व पे ग्लानि उत्पन्न कर देना, मैं क्यों ऐसी हूं, मेरा शरीर ऐसा क्यों है, इसको खराब है ये मेरा शरीर, इसको और नष्ट करना चाहिए, अपने आप को चोट पहुंचाना। हजारों हजार स्त्रियों ने इस ग्लानि के कारण अपने स्तन काट के फेंक दिए यूरोप में। आपको पढ़ना चाहिए केरेन आर्मस्ट्रांग की पुस्तक है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन। तो क्या है ना कि जो शब्द होते हैं उनके भाव वहां पैदा होते हैं जहां से वो शब्द पैदा हो रहे हैं, आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अनुवाद की और जिक्र उल्लेख कर दिया था और उल्लेख करके छोड़ा है क्योंकि लंबा विषय होगा।
दूसरा विषय था कि जो तमिल वाला विषय उठाया, तमिल और हिंदी का जो विवाद हुआ था, देखिए वो विवाद भाषा का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, वह विवाद पॉलिटिकल विवाद था और वह उसी भेदकारी औपनिवेशिक नीतियों का परिणाम था जो अंग्रेज कर रहे थे। आपको मैं बताऊं कि दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरियां पहले पहुंची हैं, इस्लाम भी पहले दक्षिण में पहुंचा है। इस्लाम जब पहुंचा तो उसने व्यापार कर रहा था वो, और वो मिल के रह रहे थे क्योंकि उनको व्यापार करना था, वो आक्रांता के रूप में दक्षिण में नहीं पहुंचा था। लेकिन जब ईसाइयत आई थी तो वो क्रूसेड का के लिए आई थी। क्रूसेड हमको जानना चाहिए वो क्यों आए थे, इस पर निगल क्लिप की पुस्तक है, अंग्रेजी में है, द एपिक वॉयजेज ऑफ वास्को डी गामा द लास्ट क्रूसेड, वो लास्ट क्रूसेड है वास्को डी गामा का, ऐसा वो कह रहे हैं। वो पूरा पढ़ेंगे तो आपको पृष्ठभूमि समझ में आएगी कि मिशनरियां जो दक्षिण भारत में काम कर रही थी और जो भेद पैदा करने का प्रयास कर रही थी उसका परिणाम था ये। तो वो कोई भाषाओं का झगड़ा नहीं था क्योंकि भाषाओं में कभी झगड़ा रहा ही नहीं। भारत की समस्त भाषाएं, समस्त बोलियां एक दूसरे के साहचर्य में आराम से रहती रही हैं, हमेशा रहती रही हैं और किसी को किसी से कोई झगड़ा नहीं है, खूब प्रेम से सब चल रहा है। झगड़ा पैदा होता है ये अंग्रेजों का और ईसाइयों का किया हुआ झगड़ा है। तो ये तो दूसरा प्रश्न हो गया। इंदु शर्मा जी ने पूछा कि कैसे मॉडर्न आज के समय में जो चीजें आई हैं, मैं देखिए टर्मिनोलॉजी को मैंने फिर मैं कह रहा हूँ, शब्दावली में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। जो हमारी शब्दावली है हम उसको अपनी ही शब्दावली का प्रयोग करें, लेकिन जहाँ पाश्चात्य चीजें हैं, यूरोपीय चीजें हैं, वहाँ अपनी शब्दावली जबरन ना घुसेड़ें, तो वहां पर उनकी शब्दावली को लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे अब मैंने कहा ना, ये माउस को माउस ही लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती हम कुछ करेंगे तो अलग विषय हो जाएगा। आचार्य रघुवीर ने जो बनाने का प्रयास किया, बहुत सराहनीय प्रयास किया, लेकिन उसके बड़े दुष्परिणाम भी हुए हैं। उसके कारण बहुत सारे जो उनके शब्द थे उसके उसकी अपनी भाव थे, हमने उसको सरल कर दिया तो उसका वो चीज हमें समझ में ही नहीं आएगा वहां क्या हो रहा था, समझना कठिन हो जाएगा। तो मेरा क्या कहना है कि यदि आधुनिक समय का काल है, जैसे ब्लॉक कर दिया, मैं इस पर एक कविता भी सुना सकता था, मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैंने भी ऐसे कविता नहीं कहूंगा, मैं फिर कहता हूं उसको कविता मत कहिएगा, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन ऐसे कुछ शब्द, तो व्हाट्सएप पर ब्लॉक, तो व्हाट्सएप पर ब्लॉक्ड ही होगा ना, प्रतिबंधित चलेगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक्ड का एक खास परिभाषा है, प्रतिबंधित की एक अलग परिभाषा होती है। तो सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया के जो शब्द प्रयोग है वो चलेंगे और उसको आपको उसी तरफ लेना पड़ेगा, यथारूप लेना पड़ेगा। और इस पर देखिए, मैं पाणिनि का व्याकरण आप देखेंगे, मैंने थोड़ा सा, मैं नहीं कहता पाणिनि का व्याकरण मैंने बहुत नहीं पढ़ा है, आशुतोषी से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि संस्कृत पर अधिकार उनका है, मैं उस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन पाणिनि जो सूत्र देते हैं आप देखिए बहुत सारे, उसमें आपको इसके रूप मिलेंगे कि कैसे कहाँ शब्द का प्रयोग कैसे करना है। तो क्या है कि आधुनिक शब्दावली जो है उसको फिर वही रखना पड़ेगा, वो विदेश शब्दों में आएंगे, लेकिन जहां हमारे पास अपने शब्द हैं वहां विदेश शब्द के नाम पर हम शब्द लें तो ये गलत है। बंगाल की बात है, देखिए बंगाल मेरा घर जैसा है क्योंकि बंगाल में बहुत रहा हूं, मेरे बहन और बहनोई वो बंगाल में शिक्षक रहे हैं और हिंदी हाई स्कूल पानागढ़ से मेरे बहनोई जो है रिटायर्ड हुए हैं प्रिंसिपल के पद से, और मेरी दीदी वहाँ आज भी पढ़ाती है। तो वहाँ जो कठिनाइयाँ हैं वो दूसरी हैं, वो पॉलिटिकल हैं, वो भाषा ही नहीं है। भारत में बहुत सारी समस्याएं जो है ना वो भाषाओं या फिर संस्कृति या फिर हमारे आचार विचार या सामाजिक परिस्थिति के कारण नहीं हुई है पैदा, वो पैदा हुई हैं पॉलिटिकल रीजन से। और मैं जानबूझकर पॉलिटिकल शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये राजनीति है ही नहीं। राजनीति शब्द का एक विशेष अर्थ है, उसका एक विशेष संदर्भ है, ये पॉलिटिक्स है। तो जो पॉलिटिकल कारणों से ये चीजें हो रही हैं वो पॉलिटिकल कारणों से ही ठीक होंगी। हम केवल इतना कर सकते हैं, हम बच्चों को सही चीज की जानकारी देकर छोड़ दें। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाल्यावस्था से बच्चों पर एक कुछ खास चीजें अध्यारोपित करते हैं और हम उनको पढ़ना और जानना नहीं सिखाते,
हम उनको रटना सिखाते हैं। तो एक पंक्ति में लिखते हैं जाति, उसको क्या कहेंगे, एक्सक्लूजन पे, बहिष्करण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था थी। ये सातवीं कक्षा में हमने एक लाइन पढ़ा दिया, छोड़ दिया। अब ये नहीं बताया जातियां बनी कैसे, वो जातियों का आधार क्या था, वो सब कुछ नहीं। एक लाइन डाली सातवीं कक्षा के बच्चे के मस्तिष्क में, एक लाइन ये चली गई तो तीन चार साल में वो जम जाएगी, और वो जम करके जब वो बड़ा होगा तो वो इसको ऐसा ही मानेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जो बच्चों को कम से कम हम विकल्प दे दें, उनको हम बता दें देखो ये चीज भी है, ये चीज भी है, और ये चीज भी है, तो बच्चे ग्रहण करते हैं। और बच्चों की असीमित क्षमता है, उनकी क्षमताओं पर शक न करें। तो मुझे लगता है दो तीन प्रश्न जो मुझे समझ में आए थे वो मैंने कहा, और कोई किसी का प्रश्न रहता है तो मैं उसको ले सकता हूँ। और सरलता के बात पे मैं अंतिम बात करके समाप्त करूंगा, सरलता के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। जो चीज आपको सरल लग रही, अभ्यास से सरल होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है अभ्यासेन वैराग्येन च, उन्होंने कहा मन को दमन करना बड़ा कठिन है, कैसे आप करें, कैसे करें, कहा अभ्यासेन वैराग्येन च, अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो वैराग्य का यहाँ आवश्यकता नहीं है, यहाँ अभ्यास की आवश्यकता है। मुझे स्मरण आता है मैंने कक्षा 10 तक हिंदी विद्यालय में पढ़ाई की, फिर 11वीं 12वीं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की क्योंकि साइंस विज्ञान में चला गया। तो जब मैंने 11वीं 12वीं पढ़ाई करने के बाद वापस कुछ पुराने उपन्यासों को पढ़ने लगा तो कई शब्द मेरे समझ में नहीं आने लगे जो मैं मुझे पहले सरलता से समझ में आते थे। तो मैं मुझे खुद पे बड़ा अचंभव हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हुआ क्योंकि वो पठन पाठन से छूट गया। तो जो शब्द आपके पठन पाठन से छूट गया, अध्यारोपित मैं कह रहा हूँ, आपको लगेगा अरे क्या कितना कठिन शब्द है, बिल्कुल कठिन शब्द नहीं है, हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रयोग से शब्द सरल और आसान कठिन होते हैं, प्रयोग करिए सरल होंगे, नहीं करिए कठिन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इतना, स्मिता जी कुछ कह रही हैं, यदि कुछ कहना है तो आप बताइए, तो मैं उसको किसी की कोई टिप्पणी हो तो आप अभी संक्षेप स्मिता जी हम साझा कर सकते हैं और फिर उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन। हाँ डॉक्टर जयप्रकाश जी, जी बोलिए स्मिता जी। हाँ जी, नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, वो शायद गलती से दब गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आनंद जी आप अपनी बात कुछ, हिंदी भाषा की बात हो रही है तो मेरे एक मित्र की मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं, शायद सबको अच्छी लगेंगी। जी जी, हम हिंद देश के वासी हैं और हिंदी हमारी भाषा है, जन जन तक इसे पहुंचाए बस इतनी सी अभिलाषा है। सही है, बिल्कुल, आप ये अभिलाषा पूर्ण हो निश्चित रूप से। तो हम इसको जी मैडम पूछ रही हैं आप। हाँ, एक वो मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जैसे अपन विवादित मुद्दों पर लिखते हैं तो पात्र का चयन कैसे होना चाहिए। मैं विवादित मुद्दा मतलब एक उदाहरण दीजिए आप, जैसे कि हम सामाजिक समस्या में पर्दा प्रथा पे लिख रहे हैं या कोई पॉलिटिकल चीज पे लिख रहे हैं तो उसमें पात्र में विवाद आ जाता है तो कैसे करें उसका चयन। देखिए, एक तो सामाजिक मुद्दों पर जो ऐसे विवादित मुद्दे हैं हमको समझना पड़ेगा। उदाहरण आपने दिया, उस उदाहरण को मैं बोल दे रहा हूं। पर्दा, भारत में पर्दा का संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, आपको पता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हमारे यहाँ नाटकों में भी पर्दा नहीं गिरता था, हमारे यहाँ नाटक क्रमबद्ध चलते रहते थे, ना पर्दे की जरूरत नहीं थी। अरे ये मैंने देखा जब जानता राजा शिवाजी महाराज के ऊपर जो नाटक बना है, मैंने उसको देखा, 3 घंटे का नाटक है और वो लगातार चलता है, बिना पर्दा गिराए बिना पर्दा उठाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जब हिंदी में नाटक लिख रहे थे और उनको पर्दा गिराने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने सोचा पर्दा के लिए क्या शब्द प्रयोग करूं, तो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है यवनिका। अब देखिए, यवनिका गिरती है, यवनिका उठ, यवनिका यवन, यवन से आया, हमारे यहाँ परंपरा में नहीं है। तो जब विवादित मुद्दों पर हम लिखें तो हमको उसका पूरी भारतीय पृष्ठभूमि को पहले पता करें। बिल्कुल, अक्सर उसके औपनिवेशिक आख्यान ज्यादा प्रचलित है, जैसे मैंने देवदासी का उदाहरण दिया था, इसका औपनिवेशिक आख्यान प्रचलित है कि देवदासी एक प्रथा थी, वो एक प्रकार की वेश्यावृत्ति थी, स्त्रियों को इस प्रकार से शोषण का, लड़कियों को शिकार बनाया जाता था। असल चीज पता कीजिए, पता चलेगा कुछ और निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो ये बहुत ही एक विवादित चीजों में मेरा बहुत आग्रह रहता है लोगों से, सभी से, कि कृपया ठीक से उसकी भारतीय जानकारी करें, अन्यथा उस विषय को छोड़ दें। बिल्कुल, जब जैसे तक हम जान न ले, देखिए वाल्मीकि ने पहले पता किया फिर लिखा, तो या तो भरपूर शोध करें, और भारतीय पृष्ठभूमि का शोध बहुत आवश्यक है। आधुनिक जो इन लोगों ने लिख रखा है उसमें जानकारी का अभाव है, और भारतीय जानकारी का अभाव तो पूरा है। बिल्कुल,
सर यवनिका का क्या अर्थ है? पर्दा का पर्याय में यवनिका प्रयोग किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अच्छा, पंचकुला में जो गवर्नमेंट का थिएटर उसका नाम यवनिका है। यवनिका हाँ, वही है, इसीलिए है। पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, उसकी जगह उन्होंने लिखा यवनिका गिरी, यवनिका उठी। ये जयशंकर प्रसाद ने भी बाद में प्रयोग किया। यवनिका शब्द का पहला प्रयोग किया गया है वो करीब 8वीं-9वीं शताब्दी में। अच्छा, संस्कृत के एक संस्कृत का एक नाटक है, प्रहसन है। हाँ हाँ, उसमें प्रयोग किया गया है और अपराजित प्रच्छा उसका नाम है। अच्छा, प्रेक्षा गृह में जी, तो वही से लिया होगा यवनिका। यवनिका, चलिए, अच्छी रुचिकर जानकारी है। डॉक्टर आनंद गुरही जी। नमस्कार। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपने बोला है तो टकासेर भाजी ने टकासेर खाजा, इसे आप हिंदी कहेंगे या बंगाली कहेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आज की जो बोलियां है प्रचलित हिंदी की, जैसे बम्बईया, दक्कनी, हैदराबादी, मराठवाड़ी, नागपुरी, इनके बारे में भी आप कुछ बोलिए कि इनको आप हिंदी बोलेंगे, शुद्ध हिंदी बोलेंगे, सरल हिंदी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? आनंद जी, आप स्वयं इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं, इस विषय पर जाएंगे तो फिर एक अलग व्याख्यान हमें करना पड़ेगा। हिंदी के दक्षिणी सुर तकर जो विवेक जी ने विषय उठाया वो विषय ठीक है, गलत नहीं है, मैंने उनसे इसलिए असहमति नहीं जाहिर की। हिंदी का जो विकास है वो किस रूप में हुआ और कैसे वो फिर उसको संस्कृत के करके, संस्कृत के साथ जोड़कर उसको ठीक स्वरूप प्रदान किया गया, ये हमारी काबिलियत थी। नहीं तो वो जिस रूप में बना है, दक्षिणी क्या है? दक्षिणी भी आपको सैन्य शिविरों की भाषा है भाई, वो ये विद्वानों की भाषा नहीं है। बाद में उसमें रचनाएं हो रही हैं साहित्य की, ये बोलियां ही थी, बोलियों के रूप में खड़ी हुई और अलग अलग बोलियां, ढेर सारी बोलियां, तो जो जड़ से जुड़ी हुई बोलियां थी और जो सैन्य शिविरों की बोलियां थी, बाद में उसको जोड़ा गया। तो मैंने कहा ना, ये एक लंबा विषय हो जाएगा, इस पर कभी अलग से चलिए फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। कृपा शंकर सिंह नहीं रहे, नहीं तो उनकी इस पर बहुत विशद अध्ययन था, उनका देहांत हो गया है, लेकिन गजब के विद्वान थे, कभी वो होते तो उनको हम बुलाते व्याख्यान के। जी जी, चलिए आज की इस चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर जयप्रकाश गुप्त जी को कि वो सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। जी डॉक्टर आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद इसलिए बार बार साधुवाद कहूँगा, जिस प्रकार से विवेक जी ने साधुवाद किया था या कौन वक्ता थे उन्होंने, क्योंकि गणेश ने दिया था। हाँ, गणेश जी, क्योंकि ये विषय जिस प्रकार से लिया गया आपके द्वारा और रविशंकर जी को बुलाया गया, आपकी आपके द्वारा प्रस्तुत भूमिका और रविशंकर जी द्वारा उसका उसकी व्याख्या, वास्तव में अद्भुत है। और बहुत कठिनता से इस प्रकार की संगोष्ठियां या इस प्रकार के व्याख्यान अपने को देखने को मिलेंगे। मुझे ये इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि रविशंकर जी की लगभग प्रत्येक बात से, प्रत्येक तर्क से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, किंतु जिस हिंदी की मैं बात एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्रवादी भारतीय होने के नाते, भाषा से प्रेम करने वाला होने के नाते, भाषा का साधक होने के नाते, जिस प्रकार से मैं हिंदी को देखता हूँ और जैसी अपेक्षा मैं हिंदी से करता हूँ, वैसा ही कुछ रविशंकर जी ने यहाँ तर्कों के माध्यम से जो प्रस्तुति दी है, वास्तव में वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और आप उन्हें ढूंढ करके लाए, अमनजीत जी के माध्यम से उनसे आपने बताया संपर्क हुआ, रविशंकर जी ने बताया था, तो अमनदीप जी को भी मैं जानता हूँ, वो
कैसे अध्येता हैं और उनको उनसे कई बार मिलना हुआ, उनकी बात सुनी है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूँगा आशुतोष जी से किस प्रकार की और संगोष्ठियाँ भी जहाँ पर रविशंकर सरीखे विद्वान अपनी बात रखें ये आयोजित करें, और विशेष रूप से जो हिंदी पढ़ाने वाले हैं अभी विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में, उनके समक्ष ये बात अवश्य रखें। रविंद्र जी से की जो टिप्पणियां थीं वो मेरे लिए अनपेक्षित थीं। हाँ, राजीव जी की जो टिप्पणियां थीं वैसी ही अपेक्षा उनसे थी, उनको भी साधुवाद। रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोगों ने जिस प्रकार से अपनी अपनी टिप्पणियां, अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं और अपने विचार प्रस्तुत किए, उन सभी के प्रति साधुवाद। एक मैं कवि तो नहीं हूं, किंतु कभी कभी कुछ पंक्तियां लिख लेता हूं। एक इसी प्रकार की कवि गोष्ठी में एक शायर अंबाला में ही है, उनका वास्तविक नाम तो कमलेश कौशिक है, किंतु वो शायर होने के चक्कर में नफस अंबालवी हो गए। अब कमलेश कौशिक तो डॉक्टर हैं, मेरे जूनियर हैं, किंतु वो नफस अंबालवी भी डॉक्टर हो गए, पता नहीं कैसे हुए, मुझे नहीं पता। तो आज वो नफस अंबालवी हो गए, डॉक्टर नफस अंबालवी। तो वो अपनी शायरी का कलाम, पता नहीं कलाम किसे कहते हैं, मुझे ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन यदि ये शब्द ठीक है तो ऐसे ही जाए, प्रस्तुत कर रहे थे कार्यक्रम में, और उन्होंने अपनी बात में आबो जमजम लाने की बात की, एक शुद्ध जल लाने के लिए वो आबो जमजम लेकर गया। मुझे वो बात बहुत खटकी और उससे कुछ पंक्तियां निकली जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूंगा आशुतोष जी से। देवनागरी में अरबी, फारसी, आंग्ल के शब्दों को लिखना या पढ़ना क्या हिंदी है? सुंदर, सरस, सरल, सशक्त भाषा के शब्दों को बिसराना और इठलाना क्या हिंदी है? मंदिर को बुतखाना कहकर देवालय की शुचिता मर्यादा के प्रति अपमान जताना क्या हिंदी है? गंगा की पावनता भूल के आबो जमजम लेकर आना क्या हिंदी है? हिंदू को काफिर कहना या फिर हिंदू को धर्म शब्द का अर्थ सिखाना क्या हिंदी है? या मंदिर को मदिरा, मंदिर में मदिरालय को स्थापित करके स्वयं सिद्ध सेकुलर कहना क्या हिंदी है? क्या हिंदी के अपने कोई शब्द नहीं है? क्या भाषा की शुचिता का कुछ मर्म नहीं है? क्या हमने सीखा है केवल परकियों से, अथवा हमको आती कोई शर्म नहीं है? हिंदी भारत की हिंदू की भाषा है, हिंदी से ही निज गौरव की आशा है, हिंदी का श्रृंगार है जननी संस्कृत से, परकियों की भाषा घोर निराशा है, आओ हिंदी को पावन समृद्ध बनाएं, अपनी संस्कृति निज गौरव का दीप जलाएं, ये संभव होगा केवल निष्ठा श्रद्धा से, निज भाषा का आओ मिलकर मान बढ़ाएं। ये तो एक बात, रविशंकर जी ने जो बात हिंदी और हिंदुस्तानी के विषय में कही, वो मैं जिस प्रकार से चीजों को समझता हूँ उसके बिल्कुल निकट है, या वो वैसी ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मोहनदास गांधी वस्तुतः फिरंगी का एक उपकरण ही था, इससे अधिक वो कुछ नहीं था, और भाषा के साथ भी उसी प्रकार से मोहनदास गांधी ने जिस प्रकार से बलात्कार किया है और हिंदी को जिस प्रकार से विकृत किया है, वो एक बहुत बड़ा कारण है अपनी भाषा की विकृति का। और दूसरा, जो फिल्मों की बात हुई है, निश्चित रूप से मुंबईया जो फिल्में हैं, बॉलीवुड जिसको कहा जाता है, उन्होंने हिंदी फिल्मों के नाम पर हमारे सामने जो परोसा है, और साहित्य की बात जहाँ तक करें, एक सेमिनार हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में, 60 हिंदी साहित्य के विमर्श, 2 चलने वाले उस सेमिनार में केवल 2 विमर्शों पर चर्चा हुई। एक विमर्श था दलित विमर्श, दूसरा विमर्श था स्त्री विमर्श, और दोनों दिन वेदों को जला दो, मनुस्मृति को जला दो, रामायण को जला दो,
इसी प्रकार की बातें वहां पर होती रहीं। मैं कुछ बोलना चाहता था नरेंद्र कोहली के साहित्य के विषय में, किंतु मुझे बोलने का अवसर भी नहीं दिया गया। तो ऐसा कुछ जो हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, वो जो जिस साहित्य को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जो संदेश वो देना चाहते हैं, वास्तव में बहुत विभत्स है। भाषा के प्रति वह एक अपराध है, ऐसा मैं मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रोफेसर आशुतोष जी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, सभी इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों के प्रति बहुत ही अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस चर्चा में जुड़कर अपने विचारों से इस संगोष्ठी को जीवंतता प्रदान की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जयप्रकाश जी, और आप सब महानुभावों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने अपना वैचारिक योगदान इस यज्ञ में दिया और हमारी जो बुद्धि है उसको विकसित किया, हमारी दृष्टि को उन्होंने व्यापक किया है और हमारी समझ जो है वो सूक्ष्म हुई है पहले से। उसके लिए श्री रविशंकर जी का हम जितना भी आभार व्यक्त करें वो कम होगा, और आप सब लोगों का सहयोग, विशेष रूप से जिन्होंने अपनी अपनी टिप्पणी की है, अपना अपना वक्तव्य दिया है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं, उसको भी तो निश्चित रूप से हम दोबारा इस विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर कोई ना कोई और आयाम साथ में देखेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, और रवि जी से जो संपर्क करना चाहें उन्होंने अपना फ़ोन नंबर चैट बॉक्स में डाला है, उनके साथ संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ लोगों ने पुस्तकों के नाम मांगे हैं तो वो फोन कर लेंगे, मैं नाम दे दूंगा। जी जी, वो भी और भी इस तरह के जो विषय हम निकट भविष्य में लेंगे, अभी जो है वो विचार की अनिवार्यता और अपर्याप्तता पर अभी उसका तीसरा भाग हम लेने जा रहे हैं इस सप्ताह में, तो उसमें आप लोगों से अनुरोध है कि उसमें आप लोग जरूर जुड़ें और अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। मैडम मीनाक्षी, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा प्लीज आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा।